शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकर वीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की। हमारे मध्य में व्यासपीठ पर पूज्य श्री महाराजा श्री विराजमान हो चुके हैं। आप सबसे प्रार्थना है आप सभी अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में बटेश्वर धाम की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस के सत्र में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। आइए, आप सभी से प्रार्थना है शीघ्रता से मंच खाली करते रहें और जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं वो क्रमबद्ध होकर आएं और पूज्य महाराष्ट्र को प्रणाम करके शीघ्रता से मंच खाली करते जाएं। हमारे मध्य में मंच पर विराजमान है पूज्यपाद श्री टिगरा वाले महाराजा श्री। आप श्री भी आए, पूज्य महाराष्ट्र को प्रणाम करें। परम श्रद्धेय पंडित श्री चेतन शास्त्री जी महाराज, पंडित श्री दामोदर शास्त्री जी, पंडित श्री कैलाश बाबू ढेमोली जी, आपसे प्रार्थना है आप क्रमबद्ध होकर व्यासपीठ को प्रणाम करते जाएं। इसी के साथ आज हमारे प्रथम दिवस के सत्र में जो अतिथि पधारे हुए हैं, हमारे श्री राकेश कटारे जी, विष्णु नामदेव जी, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री राधिका शरण जी, सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की महिला विंग की अध्यक्ष बहन श्री मिथिलेश दांगी जी, विमलेश सक्सेना जी, राजावत जी, संतोष नैमा जी, राहुल कुशवा जी, रागनी मिश्रा जी, आप सबसे प्रार्थना है शीघ्रता करते हुए मंच पर आएं और पूज्य महाराष्ट्र को प्रणाम करते हुए शीघ्रता से मंच को खाली करते जाएं। श्री ब्रजेश तेंगुरिया जी, दिनेश शर्मा, कमलेश शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी और श्री हमारे मध्य में विराजमान परम श्रद्धेय श्रीमद् भागवत कथावाचक श्री शिवकांत शास्त्री जी, परम श्रद्धेय कर्मकांड भास्कर पंडित श्री ऐश्वर भार्गव जी, आप श्री भी मंच पर पधारे, पूज्य महर्षि को प्रणाम करें। हमारी मिथिला मानस मंडल की समस्त सखियां विराजमान हैं, वह अपने स्थान पर विराजमान होकर ही आज प्रथम दिवस में प्रणाम करें। पुनः आगामी सत्र में हम उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। आज प्रथम दिवस है और हम और आप शीघ्र उस कथा के रस में जाना चाहते हैं जिस कथा की बहुत काल समय से हमें प्रतीक्षा थी। और हम प्रार्थना करेंगे बाबा विश्वनाथ, बाबा महाकाल की नगरी से पधारे हुए हमारे समस्त जो डमरू की सेवा कर रहे थे उन सभी को आमंत्रित करेंगे कि वो भी क्रमबद्ध होकर पूज्य महर्षि को प्रणाम करें और शीघ्रता से मंच को खाली करते जाएं। सागर से पधारे हुए श्री धर्माधिकारी जी, आप श्री से भी प्रार्थना है शीघ्रता से मंच पर पधारें। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य है कि पूज्य महर्षि की वाणी से हम सब कथा श्रवण करेंगे और इस रस से बहुत दूर नहीं रहना चाहते। अब हम पुनः उसी रस में प्रवेश करना चाहते हैं। हम श्री थान सिंह यादव जी, लाखन मीणा जी, श्री महेश शर्मा जी अटारी खेड़ा से पधारे हुए, आपसे भी आमंत्रित करेंगे। आप सभी विक्रमबद्ध होकर पधारें और शीघ्रता से प्रार्थना है आप मंच को खाली करते जाएं। बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस पावन उत्सव में
पंचम वार्षिक महोत्सव के क्रम में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस का सत्र भव्य कलश यात्रा के साथ यहाँ संपन्न हुआ और अब हम पूज्य महाराज श्री की मंगलमय वाणी से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। हमारे बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के सक्रिय सदस्य जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी है, ऐसे हमारे भैया श्री दिनेश थावरानी जी, श्री जसवंत लखेरा जी, शिवम नैमा जी, राजेश नैमा जी, सोनू कुशवाहा जी, जगदीश यादव जी, हरजेश लोधी जी, आप सबसे भी प्रार्थना है आप अपने यथास्थान से महाराज जी को प्रणाम करें। और हमारे बड़े ही लाडले प्यारे भैया श्री हेमंत शर्मा जी, आप श्री भी वहीं से अपने यथास्थान सर महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। भैया श्री अक्षय दुबे जी सभी और हमारे भैया कान्हा जी सभी महाराज जी को प्रणाम करते हुए शीघ्रता से मंच को खाली करते जाएं। कल पुनः फिर आप पूज्य महाराज जी को प्रणाम करेंगे। आज प्रथम दिवस के सत्र में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। आप सब शीघ्रता से मंच खाली कर दें। पूज्य महाराज श्री को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, विदिशा नगर के मध्य में विराजमान लगभग आज से 25 वर्ष पूर्व देवादिदेव महादेव शशांक शेखर भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ बटेश्वर महादेव जी विराजमान हुए थे और आज लगभग ये उनका 25वां वर्ष चल रहा है। और उसी 25वें वर्ष में हम और आप ये पावन उत्सव मना रहे हैं और इस पावन उत्सव के मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य आज जिन्हें प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही भगवान किसी भक्त की पुकार पर चलकर आते हैं। और ऐसे ही हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्रीमती अर्चना राजीव दीक्षित जी। आप सबसे प्रार्थना है एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें जिनके पूर्ण सहयोग से हमें ये पावन आनंद मिल रहा है। और ऐसे आनंद में हम पुनः डुबकी लगाते रहें, इसलिए आज हम स्वागत के क्रम को यहीं विश्राम कर रहे हैं। कल पुनः द्वितीय सत्र में स्वागत के क्रम में प्रवेश करेंगे। आइए अब हम और आप पूज्य महाराज श्री की, हमारे मध्य में पंडित श्री मनोज मोहन शास्त्री जी पधारे हैं, श्री राजेंद्र सोनकर जी उनसे भी प्रार्थना है, श्री नीरज चतुर्वेदी जी की, आप श्री भी व्यासपीठ को प्रणाम करें। और हम सब चले प्रथम दिवस की कथा की ओर। पूज्य महाराज श्री के चरणों में आप सबकी ओर से दास कोटिशा दंडवत प्रणाम कर रहा है और एक भाव महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए, कहा जाता है कि तेरा आना फागुन की फुहारों जैसा है, तेरा आना फागुन की फुहारों जैसा है, रिमझिम रिमझिम सावन की बौछारों जैसा है, रिमझिम रिमझिम सावन की बौछारों जैसा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना, प्यारे तेरा दिल में होना ही हमारे लिए त्योहारों जैसा है। इसलिए पूज्य महाराज जी को आपसे प्रार्थना है शीघ्रता से प्रणाम करें। और आप सबकी ओर से महाराज जी के श्री चरणों में हम कोटिशा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और महाराज जी से प्रार्थना है इस विदिशा नगर के समस्त भगवती जनों को आप श्रीमद् भागवत के रस में रसपान करा दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए आप सबकी ओर से व्यासपीठ के चरणों में कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए प्रथम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवज्ञमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्थ रुणीकराग्र विगलत कल्प प्रसून प्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण स्रस्त स्रस्त निवद्धनी विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतं हस्तन्यस्तनतापवरगमखिलो दारं किशो कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैवमेव शतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण
राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, देवादिदेव महादेव श्री बटेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय प्रात प्रकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमय प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विराजमान समस्त संत वृंद, भगवत वृंद एवं समस्त गंधर्वजन और आप सभी विदिशा के श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति आगंतुक समस्त वैष्णव जनों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। परमानंद का विषय है बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के पावन तत्वावधान में श्री बटेश्वर महादेव के पाटोत्सव के उपलक्ष में मध्य प्रदेश के इस पावन पुनीत स्थान विदिशा में हम आप सब लोग अविराजित हुए हैं। आज से श्रीमद् भागवत कथा रस गंगा का प्रवाह यहाँ प्रारंभ हो रहा है। हमारे अत्यंत स्नेही श्रीमद् भागवत के एवं भगवत चरित्रों के भाव में प्रेम में उद्भव वक्ता श्री अंगद कृष्ण जी महाराज, जिनको प्रेम से सब बटुक जी कहते हैं, ऐसे हमारे पूज्य व्यास जी बटुक जी के पावन सत्संकल्प से विदिशा शहर में संत जनों का आगमन होता रहता है। यह भी एक बड़े पुनीत भाव विद्यमान करता है। वैष्णव स्वभाव भगवत सेवा करना, भगवत गुणानुवाद गाना, भगवत कीर्ति गान करना, ये सब भगवत वैष्णव के लक्षण हैं। पर वैष्णव का एक सर्वोपरि लक्षण यह भी है कि उसके भगवत भाव से अनेक लोगों को भगवत कथा और वैष्णव दर्शन का लाभ प्राप्त हो। तो अंगित जी के प्रेम के फलस्वरूप यहाँ हर वर्ष कथा का क्रम होता है। गत वर्ष बागेश्वर धाम वाले महाराज जी आए थे और उनकी कथा हुई थी, उसमें भी हम आए थे एक दिन के लिए, और इस वर्ष दास को ये सेवा प्राप्त हुई, और ये हर वर्ष का क्रम है। यहाँ संतजन आते रहते हैं, अपनी वाणी की सेवा करते हैं। निश्चित ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं बटुक जी से, इसलिए उनके सत्संकल्प को पूर्ण करने के लिए विदिशा शहर में मंगलमयी भागवती वार्ता, वैष्णव दर्शन, संत जनों का आगमन ये होता रहता है। प्रहलाद के लिए नृसिंह भगवान पधारे थे, ध्रुव जी के लिए भगवान हरि पधारे थे, मीराबाई के लिए गिरधर लाल पधारे, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए
मानस रूप में राजा रामचंद्र भगवान पधारे, सबरी के यहाँ श्री राघवेंद्र सरकार पधारे। परंतु इन सबको तो एक एक बार भगवत दर्शन का ही सौभाग्य मिला, परंतु हमारे बटुक जी जैसे वैष्णव होते हैं तो भगवत गुणानुवाद करने वाले असंख्य संतों का एक साथ दर्शन हो जाता है। प्रहलाद जी को एक ही बार नृसिंह भगवान मिले आके, पर बटुक जी को हर साल यहां पर देखो कितने संत आ जाते हैं, कितने वैष्णव आ जाते हैं इनकी वजह से। तो परम आनंद की बात है, ऐसे वैष्णव हर शहर में हो तो हर शहर के लोगों को कितने संतों के, कितने वैष्णवों के, कितनी भगवत चर्चा श्रवण दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो। ऐसे हमारे गोवत्स श्री अंकित कृष्ण जी महाराज, उनको ठाकुर जी खूब बल दें कि वो ऐसे ही भगवत सेवा, भागवती सेवा, स्वयं भी भागवत करते हैं। और मैं तो कहता हूं मंचों से मुझे बड़ा अच्छा उद्बोधन लगता है इनका, बहुत अच्छा सटीक स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इनके आग्रह से और आप सब लोगों की प्रसन्नता से बटेश्वर महादेव के प्रेम के फलस्वरूप ये भागवती वार्ता आज से यहाँ प्रारंभ हो रही है। 16 तारीख तक इस कथा का क्रम चलेगा। आप सब भगवत जन बड़े प्रेम और भाव से आकर के श्रवण कीजिएगा। आज प्रथम दिवस है कथा का। हम परसों बागेश्वर धाम में कथा पूरी करके आए हैं। वहां कथा करने का मतलब है दिन रात एक हो जाना। हमने सोचा बीच में एक दिन खाली है, भोपाल जाएंगे, कुछ कार्य था वो करके आ जाएंगे, पर इतने थके थे कि कहीं जा ही नहीं पाए। अभी भी हम सुबह बटुक जी से बोल रहे थे कि हम सीधे कथा में ही आ जाएं। शोभा यात्रा में अधिकतर हम कहीं जा ही नहीं पाते, क्योंकि कथाओं के क्रम ऐसे रहते हैं कि हम सीधे कहीं से छूट के कहीं पहुंचते हैं, और बीच में इतना श्रम हो जाता है कि सीधे हम मंच पे ही पहुंचते हैं। लेकिन आपका भाव था तो थोड़ी देर शोभा यात्रा में 10-15 मिनट बैठे, फिर जाके पौड़ ही गए, भोजन नहीं किया महाराज जी, बाल भोग ही चल रहा अभी तक। क्रम ये हो गया है कि सवेरे 7 बजे नींद आती है, रात भर तो बैठे रहते थे वहां पे, कुछ क्या कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव, तो पहले कथा करते फिर रात भर उत्सव करते, सवेरे 5 बजे फ्री होते, फिर प्रसाद पाते, 7 बजे सोने जाते, 10:30 बजे उठ जाते, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते, 2 बजे फिर मंच पे पहुंच जाते। तो ऐसा नियम बन गया। कल रात को 12:30 बजे फिर फोन आया महाराज जी का, बोले आप पहुंच गए। मैंने कहा महाराज जी पहुंच गए, इंतजार कर रहे हैं नींद आ जाए, क्योंकि आपने 7 बजे का नियम कर दिया हमारा सवेरे सोने का। यह भी एक आनंद है। सब जगह अलग अलग प्रकार का सुख है। हम तो जैसे विविध विविध प्रकार की सब्जियां होती हैं तभी भोजन में आनंद आता है, ऐसी हमारी तो हर हफ्ते नई नए तरीके से लोग मिलते हैं, हर हफ्ते नई कथाओं में नए नए लोग मिल जाते हैं। अब यहां आए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि रात में ही सो जाएं, अभी हमारा सोने का समय है। ये समय तो कथा का ही था, पर मतलब विचित्र ही समय हो गया है। जैसे अमेरिका में दिन रात, हम बागेश्वर वाले महाराज जी से कह रहे, मैंने आप गलत जन्म गए भारत में, आपको अमेरिका में ही जन्म लेना था, मैं भारत में गलत आ गए आप। बड़े आनंद लेते हैं। तो वहां भी बटुक जी का दर्शन हुआ था, आए थे आप वहां पर भी। तो परम आनंद का विषय है। थक तो बहुत रहे हैं, लेकिन भैया देखो कथा का उल्टा होता है थाक, कथा का उल्टा होता है थाक। जो जीवन की थाक को, बुद्धि की थाक को, मन की थाक को रसमयी चर्चाओं से नष्ट कर दे, उसी का नाम कथा है, वही कथा है। और वास्तव माने मैं जहां रुका हूं वहां से यहां तक आने में भी 2 बार झपकी आ गई मुझे, लेकिन
यहाँ मंच पर आते ही व्यासपीठ पर बैठते ही ऐसा लग रहा है नहीं अब तो कथा कहेंगे। हम कह तो रहे थे पहले दिन कथा, महाराज जी कितनी देर करनी है, बोले जब तक आपकी इच्छा। तो पता नहीं क्या व्यासपीठ में ऐसा एक तेज है, एक ये अनुभव किया। आप भी व्यासपीठ पर बैठते हैं तो आपको भी होता होगा, व्यासपीठ पर बैठते ही कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी चिंता हो, कितनी भी कुछ भी चल रहा हो, सब बिल्कुल मानो जितनी देर वक्तव्य चलता उतनी देर के लिए ऐसा लगता है विस्मृति हो गई, भूल गए क्या चल रहा था। देहाभिमान शून्य हो जाते हैं, देह को अभिमान नहीं रहता। हमको चार घंटे बिना कथा कहे आप बैठने को बोल दो तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, लेकिन चार घंटे में आसन ऐसे ही रहेगा। क्यों? कथा में मन बुद्धि इंद्रियां सब एक जगह हो जाती हैं। बंधुओं वास्तविकता में जीवन कैसा होना चाहिए वैष्णव का? चार घंटे कथा में जैसा जीवन रहता वैसा संपूर्ण जीवन हो जाना चाहिए, एक एक क्षण ऐसा हो जाना चाहिए जैसा चार घंटे की कथा में होता है। ना जीव को पानी का पानी की इच्छा है, ना कमर को लेटने की इच्छा है, ना गले को हार पहनने की इच्छा है, ना बहुत मान सम्मान की इच्छा है, ना फोन। सबसे बड़ी तो यही है कि इससे छुटकारा रहता है चार घंटे के लिए, है चार घंटा इसको तो नहीं छूते कम से कम। तो जैसे चार घंटे कथा में व्यतीत करते हैं ऐसा संपूर्ण जीवन हो जाए वैष्णव का, ये वैष्णव नियम होना चाहिए। लेकिन फिर भी 24 घंटे में से चार घंटे ही सही, धीरे धीरे ये घंटे की अवधि बढ़नी चाहिए। तो जीवन की थाक को जो दूर करे वही कथा है। तो ऐसी भागवती कथा आज से यहां प्रारंभ हो रही है। हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे, आज हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं, जितनी देर हमसे बल पड़ेगा हम कहेंगे। वैसे तो कोई पता नहीं है, भागवत जी की कृपा हो जाए तो पूरे चार घंटे ही बोलते रहे। कल से कथा का समय क्या है? 2 बजे से। 2 बजे से समय है आप सब लोगों के लिए, 1:30 बजे से हमारे लिए, 2 बजे से। आप 1:30 बजे आकर के बैठ जाना, 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 6 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। आज महात्म है, पहला दिन है, प्रेम और भाव से हम लोग श्रवण करते हैं। अब देखते हैं भगवत कृपा कितनी देर तक होती है। आइए बड़े भाव से सब लोग ठाकुर जी को हृदय में विद्यमान करते हुए, बटेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए, मानो ऐसा समझिए कि 7 दिन की ये कथा की धारा से ही हम बटेश्वर महादेव का अभिषेक कर रहे हैं और उनके मंगलमय पाटोत्सव का आनंद ले रहे हैं। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के इस महात्म में प्रवेश करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक। बंधुओं भागवत में 2 महात्म हैं, पूर्व महात्म और उत्तर महात्म। पूर्व महात्म में 6 अध्याय हैं और उत्तर महात्म में 4 अध्याय हैं। पूर्व महात्म पद्म पुराण से लिया गया और उत्तर महात्म स्कंद पुराण से लिया गया है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। अधिकतर सप्ताह कथा में पूर्व महात्म कहा जाता है, लेकिन जब मास भर की कथा होती है, मासिक कथा होती है, तो उसमें पूर्व और स्कंद, स्कंद पुराण का महात्म और पद्म पुराण का महात्म दोनों कहे जाते हैं। और इस बार हमको ये सौभाग्य मिल रहा है 11 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक 1 महीने की भागवत कथा है दत्त धाम नासिक में, मासिक कथा 1 मास तक चलेगी। बड़ा आनंद आएगा वहां पर, वहां पर दोनों महात्म होंगे।
जो श्रीमद् भागवत का उत्तर महात्म है, उत्तर महात्म में ब्रज की कई गोपनीय लीलाएं वहां पर वर्णित की गई हैं। एक आध बार मैंने कथाओं में कहीं कहा है उत्तर महात्म। तो अभी हम पूर्व महात्म का श्रवण करें। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। हम किसी भी चीज को बिना उसका महत्व जाने स्वीकार करने में थोड़ा कतराते हैं, इसलिए हम लोगों की बुद्धि विवेक को श्रीमद् भागवत की महत्ता समझ आए, इसलिए महात्मा कहा जाता। वैसे तो एक बात कहें, बहुत सावधानी से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा इनमें डाल दो भैया आवाज, अगर इनमें हो सके तो। महात्म में कहीं ना कहीं व्यक्ति अविश्वासी जब होता है तब महात्म सुनने की इच्छा रखता है। ये जरूरी नहीं है कि महात्मा आप सबको सुनाया जा रहा है, उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनको भागवत वाणी पर विश्वास नहीं है, उनका विश्वास जगे इसलिए महात्म सुनाया जाता है। बाकी प्रेमी को विश्वास, प्रेमी को महत्व जानने की इच्छा नहीं होती। प्रेमी महत्व जानने की इच्छा नहीं रखता है, प्रेमी तो बस प्रेम करता है, चाहे अच्छा है बुरा है जैसा है, बस वो अपने प्रेमी को, अपने प्रेमास्पद को स्वीकार करना चाहता है किसी भी रूप में, उसको महत्व सुनने की इच्छा नहीं होती। पर फिर भी कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं, अब यहां से तो चली गई, कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं, जैसे पहला तो वैसे ही कर दो, हम सुना देंगे कथा। तो कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं, इसलिए सबके विश्वास की सजगता के लिए महत्व कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक महात्म का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। भगवान के तीन रूप हैं, सत चित और आनंद। बंधुओं अवतार कितने भी हो सकते हैं ठाकुर जी के, 24 अवतार कह दो, 10 अवतार कह दो, अनंत अवतार कह दो, लेकिन प्रत्येक अवतार में ये तीनों विद्यमान हैं, सत्य चैतन्य और आनंद। बहुत सावधानी से सुनिएगा, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय का एक बहुत सुंदर भाव, ठाकुर जी ही सत्य हैं बाकी सब मिथ्या हैं, पहली भाव, पहला भाव। वे ही चैतन्य हैं बाकी सब जड़ हैं, दूसरा भाव। वे ही आनंद प्रदायक हैं बाकी सब कष्ट देने वाले हैं, तीसरा भाव। सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा अर्थ करते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जब तक सत भगवान को चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उनकी सेवा में आनंद नहीं मिलेगा। जैसे कई लोग बटेश्वर महादेव के आज दर्शन किए, इतने बढ़िया भोलेनाथ विराजमान है। कभी कभी महादेव के मंदिरों में जाता हूं या कहीं भी जाता हूं तो मुझे कभी कभी, मैं लोगों की पूजा पद्धति देखता हूं ये कर कैसे रहे हैं, और उनकी उस सेवा प्रणाली में जब मुझे ये दिखता है कि ये जड़ वस्तु मान करके सेवा कर रहे हैं तो बहुत कष्ट होता है हृदय को। और विशेष रूप से तो महादेव के मंदिर में, मतलब शिवलिंग विराजमान है तो बस उनके ऊपर जल चढ़ना चाहिए, उनकी जो है बढ़िया जोर से मसाज कर देते हैं, ऐसी जोर से हाथ फेराएंगे उनके ऊपर। कई लोग तो अपनी अंगूठियां भी नहीं उतारते, बेचारों के हाथ पांव छिल जाते होंगे भोले बाबा के। कभी कभी मन में भाव आता है कि ये दोष हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनको चैतन्य माना नहीं है। अपने गोपाल जी की सेवा में, घर के ठाकुर की सेवा में अपराध हमसे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर चैतन्य भाव नहीं है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, बटुक जी ने दो एसी लगवा रखे हैं यहाँ पे, क्यों लगवा रखे हैं? क्योंकि उनको पता है कि व्यास जी चैतन्य है, उनको गर्मी लग सकती है।
अगर मैं जड़ हूं, मैं मूर्ति हूं, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। मूर्ति तो कैसी भी रह सकती है, जड़ वस्तु तो कहीं भी रह सकती है, किसी भी प्रकार में रह सकती है, लेकिन चैतन्य यदि है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। तो जो लोग ठाकुर जी को मूर्तिवंत मानते हैं, केवल धातु मानते हैं, वो कैसे भी रखते हैं अपने ठाकुर जी को, कहीं भी बैठा देते हैं, कैसा भी जल डाल देते हैं, कुछ भी पहना देते हैं, उसमें विचार नहीं करते, क्योंकि उनके चित्त में चैतन्य भाव नहीं। लेकिन वहीं अपना पुत्र आ जाए तो पुत्र के प्रति चैतन्य भाव होता है, उसको देखते तुरंत लगता है सर्दी ना लगे शॉल पहना दो, गर्मी लग रही होगी शरबत पिला दो, ये चैतन्य भाव। ऐसी चैतन्य स्थिति जब तक आप सत परमात्मा के प्रति नहीं रखोगे, तब तक उनकी सेवा आनंद नहीं देगी। यही है सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो, वो साक्षात चैतन्य है, उन्हें भी शीत का अनुभव। अब हम हैं तो रामानुज संप्रदाय से, हमारे रामानुज संप्रदाय हो, रामानंदी संप्रदाय हो, वल्लभ कुल की संप्रदाय हो, सब जगह सेवा में चैतन्यता को प्रधान माना गया है, पर विशेष रूप से वल्लभ कुल की संप्रदाय में तो अत्यंत चैतन्य भाव रखा जाता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे गिरधर लाल पधारे हैं, उनका चित्र भी लगा है पीछे, ये जहां जितने बड़े लग रहे हैं उतने ही छोटे हैं, इतने से हैं, छोटे से नेक्स से। तो इनकी सेवा में एक प्रणाली है कि शीत काल में, सर्दियों में ठाकुर जी मूजरी पहनते हैं, मोजा पहनते हैं चरणों में, और वसंत पंचमी के दिन जो भी निकल करके गई उस दिन ठाकुर जी के मोजा हटा दिए जाते हैं। तो गत वर्ष की, इस बार की वसंत पंचमी पर तो सर्दी चली गई थी, पर पिछली बार की वसंत पंचमी पर बड़ा भयंकर कोहरा था वृंदावन में। अब मुझे बड़ा कष्ट होवे कि ठाकुर जी की आज मोजे हटाने और बाहर इतनी शीत पड़ रही है, पूरी गलन हो रही है कमरों में, क्या किया जाए। तो हमने एक आचार्य प्रवर को फोन किया, मैंने कि महाराज जी वसंत पंचमी के अनुसार ठाकुर जी के मोजा हटाने चाहिए आज। बोले हाँ, आज ठाकुर जी के मोजा मत धराना आज श्रृंगार में। मैंने कहा लेकिन वृंदावन में इतनी भयंकर सर्दी, कोहरा पड़ रहा है, गलन हो रही है, और मुझे इतनी सर्दी लग रही है, मैं सोच रहा हूँ ठाकुर जी का मोजा क्यों नहीं पहनाऊं। तो हंस करके भाव में एक बात बोले, बोले जब इनके मोजा हटाओगे इनको सर्दी लगेगी तभी ये गर्मी लामेंगे, जब तक मोजा इनको पहनाते रहोगे इनको लगेगा बढ़िया आनंद आ रहा है, सर्दी होने दो, जब इनके वस्त्र हल्के करोगे तब इनको सर्दी लगेगी, और जब इनको सर्दी लगेगी तब ये ऋतुओं को आज्ञा करेंगे कि हे भाई हमको सर्दी लग रही है, अब जल्दी जाओ तुम, ग्रीष्म आने दो, बसंत आने दो। कितना सुंदर भाव, ये भाव जड़ वस्तु में नहीं आता है, ये भाव चैतन्य में ही आ सकता है। और वास्तव में उस दिन हमने फिर, पहले तो कष्ट हो रहा था कि ठाकुर जी की मोजा कैसे हटाए, लेकिन ये भाव सुन के हमने तुरंत मोजा हटाया, 5 मिनट बाद ही धूप निकल आई वृंदावन में। तो अब ये सब जो स्थितियां हैं, ये सब जो भाव है ना, ये तभी निर्मित होते हैं, ये तभी व्यवस्थित होते हैं जब आप अपने ठाकुर को चैतन्य मानते हैं। और जब चैतन्यता मान करके आप सेवा करने लग जाते हैं ठाकुर जी की, तो फिर सुख नहीं मिलता सेवा में, फिर आनंद मिलता है। आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। आनंद की डेफिनेशन क्या है? जिसके सेवन में सुख घटे ना बढ़े। मतलब पानी पीते हैं हम लोग, और जब पानी पीते हैं तो हर घूंट में प्यास बुझती है, प्यास कम होती है, पर आनंद में क्या होता है, हर घूंट में प्यास बढ़ेगी, इसको आनंद कहते हैं। तो जब चैतन्य मान करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी सत परमात्मा को चैतन्य मानते हैं, तब उनकी सेवा सुख नहीं देती, आनंद देती है। फिर मीराबाई का वो भाव याद आता है,
जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। जित जाऊं तो थाड़ो ही पावे, फिर जहां देखोगे वहीं लगेगा श्याम सुंदर यहीं खड़े हैं, गिरधर गोपाल यहीं खड़े हैं, अरे हमारे ठाकुर जी यहीं बैठे हैं। उनसे बात नहीं करना चाहोगे लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, हमारे गोपाल जी शायद ऐसा पाना चाह रहे हैं, ऐसा पहनना चाह रहे हैं, यहां जाना चाह रहे हैं, ये अपने आप संकेत आने लग जाएंगे आपको। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग, तो संग ही संग रहेंगे ठाकुर जी। कितनी बार हमको ऐसा अनुभव हुआ कथाओं में, कथा करते करते ऐसे भाव आए कि ये पीछे की मसनद है ना, या मसनद पे ठाकुर जी हमारे दोनों तरफ पाम लटका करके बैठ गए और ऐसे पीछे से ऐसे गले में ऐसे दोनों भुजा डाल के यहां सर लगा करके ऐसे ऐसे ठाकुर जी बैठे। कितनी बार ऐसा अनुभव होता है, ये अनुभव बताने के विषय नहीं है, क्योंकि जब ये अनुभव कथा में बता दिए जाते हैं फिर ठाकुर जी अनुभव देना बंद कर देते हैं। अष्ट सखाओं ने कहा है कि प्रेम के स्वभाव को, ठाकुर जी के अनुभवों को ज्यादा प्रचार मत करो, नहीं तो वो अनुभव कराना बंद कर देते हैं। प्रेम बताने से प्रेम घटता है, पर हम व्यास हैं, कई बार हमको कथाओं में बताना पड़ता है ताकि श्रोताओं का विश्वास बढ़े। आपको आपका विश्वास बढ़े इसलिए बता देते हैं, लेकिन फिर हम 6-7 महीने के लिए वंचित हो जाते हैं, ठाकुर जी फिर अनुभूति नहीं कराते। पर हम कहना चाहते हैं भैया, ऐसे अनुभव तभी होते हैं जब आप ठाकुर जी को चैतन्य रूप मानते। तो सच्चिदानंद रूपाय, वो सत परमात्मा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओम तत् सत, ये तीन शब्द सदैव ब्रह्मवाचक होते हैं। ओम शब्द भी ठाकुर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, सत शब्द भी ठाकुर जी के लिए, तत् शब्द भी ठाकुर जी के लिए। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत यानी कि परमात्मा में जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे, उनको जड़ नहीं मानोगे, तो उन्हीं की सेवा, उन्हीं की उपस्थिति तुमको आनंद प्रदान करेगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। और कौन है वो सच्चिदानंद रूप? बोले विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये तीन क्रियाओं में जो व्यवस्थित है। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? छोटे से बालक के जैसा। मिट्टी का एक घर बनाया, घर बना करके उसकी रक्षा करी, कोई इस पर चढ़ ना जाए, कोई इसको तोड़ ना जाए, 2-4 दिन रोज उसको जा करके देख रहे हैं कहीं से इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। एक दिन मन आ गया तो अपने पैर से ही घर तोड़ दिया। जैसे उस बालक का स्वभाव होता है वैसे ही ठाकुर जी का स्वभाव है। पहले मेरा और आपका, हम सबका निर्माण करते हैं, निर्माण करने के बाद फिर हम सबका लालन पालन करते हैं, हमको एक श्रेष्ठता दिला देते हैं, यश वैभव मान कीर्ति संपत्ति इन सब में व्यवस्थित ठाकुर जी कर देते हैं, नित्य हमारा ध्यान रखते हैं, इसको कोई कष्ट ना हो जाए, हमारी छोटी सी विनती पर हमारी आरतों को दूर कर देते हैं, इतने हमारे सगे हो जाते हैं ठाकुर जी, हमारे कष्ट को अपना मान करके हमको प्रसन्नता देने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ठाकुर जी का मन आ जाता है और हम मानव रूपी मिट्टी के इस ढांचे को ठाकुर जी ध्वस्त कर देते। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, बनाते भी वही हैं, पालन करता भी वही हैं और संहार करता भी वही हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। मैं कथाओं में खूब कहा करता हूं, ठाकुर जी कभी दुख दूर नहीं करते,
सदैव दुख से मिलने वाली पीड़ाओं को दूर करते हैं। दुख तो जीवन में आते हैं पर उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पीड़ा का, जैसे अभी हम थक रहे हैं, अभी हमको कोई पीड़ा हो रही है, अंतरंग है लेकिन कथा कहने के लिए जैसे बैठे हैं तो लग नहीं रहा कि अब कोई पीड़ा है, अब कोई दिक्कत है, अब कोई कष्ट है। ठीक वैसे ही पीड़ा तो होगी, कष्ट तो जीवन में आएगा लेकिन उसका अनुभव नहीं कराने देते, अनुभव नहीं होने देते। ये ठाकुर जी की कृपा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। तो रूप, कर्म और स्वभाव तीन इस श्लोक में बताए गए। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहां से महात्म प्रारंभ होता है। महात्म सुनाते हुए वर्णन करते हैं कि 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए व्यवस्थित हुए, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। अच्छा बंधुओं एक बात बताइए, हमारा कल्याण किस में है? मानव के कल्याण का मतलब क्या होता है, इस पर कभी विचार किया आपने? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं व्यासपीठ से, कल हमको उत्तर चाहिए व्यासपीठ पे। जो जो उत्तर देगा बढ़िया लिख के लाइएगा कहीं उत्तर, यहाँ व्यासपीठ में हमारे आने से पहले धर देना। जिसका उत्तर बढ़िया लगा हम मंच से बोलेंगे। प्रश्न क्या है, मानव का कल्याण क्या है, मानव के कल्याण की विधा क्या है और कल्याण है किस में? ये मानवीय कल्याण इसका मतलब क्या होता है? अब वैसे तो आज की कथा में मैं ही थोड़े बहुत संकेत तो दे ही दूंगा लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि से सोच के आना। बहुत धन कमा लेना मानव कल्याण है, बहुत यश हो जाना मानव कल्याण है। एक प्रकार से यहां आप सब लोग मुंडी हिला के मना तो कर रहे हो लेकिन मानते आप सब भी यही हो कि धनवान होना कल्याण है। विदिशा में कोई धनवान हो जाए निश्चित है आप भी चार लोगों से उसकी चर्चा करते हो, भाई जीवन हो तो ऐसा हो, देख क्या बढ़िया है, कल तक कुछ नहीं था, हमारे संग गिल्ली डंडा खेलता था, कैसा इसका बुद्धि देखो, क्या बढ़िया हो गई अब जा करके जो है। ऐसे बात करने वाले लोग बहुत मिलते होंगे आपको। एक हमारे पंडित जी बड़े दुखी, क्योंकि महाराज हमारे संग गांव में पढ़ो छोरा, 6 में 2 बार फेल है गयो। मैंने कि तो बोले हम आचार्य किए हुए ब्राह्मण हैं, वो 6 में 2 बार फेल हो गया, आज दुबई में नौकरी कर रहा है, बहुत बढ़िया घर बना लिया। सब लोग ऐसे दुखी रहते हैं, इसका मतलब क्या है? हम कल्याण उसी को मानते हैं, बहुत धन होना हमारे लिए लगता है कि ये कल्याण है, बहुत वैभव होना, यश होना, शौर्य होना, नहीं ये कल्याण नहीं है, ये मानवीय कल्याण के विषय नहीं है। अगर आप इन सब वस्तुओं को कल्याण मानते हैं कि इसने अपना कल्याण कर लिया, इतना धन कमा के, इतना यश कमा के, वैभव कमा के, संपत्ति कमा के, नाम कमा के, यश कमा के, तो ये जितने भी कल्याण के साधन हैं ये सब राक्षसों के पास भी थे। ऐश्वर्य जितना रावण के पास था उतना किसी के पास नहीं था, यश कीर्ति जितनी हिरण्यकश्यप की थी उतनी किसी की नहीं थी, बल जितना जरासंध में था उतना किसी में नहीं था, इसलिए भैया इन सब विषयों से परे सोच के आइएगा कल कि मानव कल्याण क्या है। बुद्धि लगाइए, वैसे ये होना चाहिए कथा में, हर दिन एक होमवर्क मिलना चाहिए सारे श्रोताओं को, तभी श्रोता ध्यान से सुनेंगे। और ये सारे होमवर्क भी बंधुओं ऐसे हैं कि इनके उत्तर कथा में ही हैं और ढूंढने आपको है। तो कल सोच के आइएगा मानव कल्याण क्या है, मानव का कल्याण किस में,
मानव कल्याण की विधा क्या है, विचार कीजिएगा। हमारे मन में कुछ और भाव है जो गुरुजनों से मिला, लेकिन आप लोगों के मति के अनुसार जो भाव आएगा, अगर वो मुझसे भी श्रेष्ठ लगा, कि ऐसा नहीं कि मेरा श्रेष्ठ है, गुरुजनों की कृपा से जो प्राप्त है मैं वो ही कहूंगा, लेकिन अगर आपका और सुंदर लगा तो मैं निश्चित मंच से कहूंगा कि हाँ देखो ये किसी ने बताया है, ये अच्छा भाव है। और बाकी कथा ध्यान से सुनो, आपको कथा से ही उत्तर मिल जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने यज्ञ किया नैमिषारण्य में, परंतु उस यज्ञ से मानव कल्याण होगा इसकी उनके हृदय से आवाज नहीं आ रही थी कि ये यज्ञ करने से मानव कल्याण होगा। कई बार ऐसा होता है, हम कोई क्रिया करते हैं तो क्रिया शरीर तो करता है लेकिन चित्त कहता है कि पता नहीं ये क्रिया करने में कुछ लाभ है कि नहीं, उचित है कि नहीं। कई लोग आते हैं, युवा आते हैं, महाराज जी हम जॉब करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं, करते तो हैं, सैलरी तो मिलती है, लेकिन पता नहीं मन बड़ा उच्चाटित रहता है, करने का मन नहीं होता। वास्तव में ऐसी स्थिति जहां बने ना, वहां त्याग ही कर देना चाहिए। लाभ चाहे आपको अन्य स्थिति से कितना भी मिल रहा हो, तो सौनकादि ऋषि यज्ञ तो कर रहे थे पर यज्ञ में उनके चित्त को कहीं भी प्रसन्नता नहीं थी कि इससे मानव कल्याण होगा। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सब सौनकादि ऋषियों ने जाकर के प्रणाम करते हुए उनसे प्रश्न किए। व्यक्ति जब संशय में आता है ना, तभी उसके चित्त में प्रश्नों का प्रादुर्भाव होता है। एक बात सदैव याद रखिएगा, आप यदि भगवत भागवती कथा सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं आदि आदि, ये प्रश्न आप, ये सब भगवत वार्ताओं के प्रति आपका लगाव है, लेकिन संशय फिर भी बना हुआ है चित्त में, तो कहीं ना कहीं आप श्रवण में कोई ना कोई अपराध करते हो, इसीलिए संशय। नहीं तो वैष्णव का एक स्वरूप ये होता है कि वो कभी उसके दिमाग में कुंठा नहीं होती, उलझने नहीं होती, वो सदैव सुलझा रहता है हर स्थिति में, वो कभी फंसेगा नहीं, कभी असमंजस उसके जीवन में नहीं आ सकता। कई लोग बहुत सेवा करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन उसकी उनकी असमंजस कभी खत्म ही नहीं होती, वो सदैव असमंजस में रहते हैं। वास्तविकता यह है बंधुओं कि ये वैदिक भागवती कथा, मानस जी की कथा आदि आदि, ये जो भगवत वार्ताएं हैं, ये आपने सुनी हैं, इनका प्रभाव क्या होगा कि आपके चित्त की कुंठा, आपके चित्त की असमंजसता, ये सब नष्ट हो जाएंगी, अपने आप उत्तर मिल जाया करेगा प्रश्न का। मीराबाई कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मीराबाई के जीवन में कोई ऐसे गुरु नहीं थे जो बैठ करके उनको रोज सिखाते हो, बस सत्संग करती थी मीराबाई, लेकिन जीवन में कभी मीराबाई के असमंजस नहीं आई, एक बार आई थी बस। हमने मीरा चरित्र पर कथा की एक बार, इतना आनंद आया, आज तक मीराबाई याद आती रहती हैं, मन होता है दोबारा कहें। मीराबाई को कभी संशय नहीं हुआ, पति परिवार ससुराल के लोग सब विचित्र थे उनके, लेकिन कभी मीराबाई ऐसा नहीं लगा कि कर्म पर हाथ रख के बैठी हो, सोच रही हो, चिंता में पड़ गई हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, कभी नहीं। मीराबाई के पास हर स्थिति का सॉल्यूशन था, और यही एक वैष्णव की पहचान है, यही एक कथा श्रोता की पहचान है, यही एक कथा वक्ता की पहचान है कि वो कभी असमंजस में नहीं पड़ता। वैकुंठ नाथ है हमारे स्वामी, भगवान कौन है, वैकुंठनाथ। वैकुंठ का मतलब क्या होता है, कुंठा रहित जो है, कुंठा मतलब उलझने नहीं है जिनके दिमाग में, सब चीज सुलझी हुई है, वो वैकुंठनाथ। और उनके हम उपासक, हमारे चित्त में कुंठा क्यों हो, हमारे चित्त में असमंजस क्यों हो। जिस प्रकार नित्य औषधि लेने वाले का वो रोग खत्म होता है, ऐसे नित्य सत्संग करने वाले के चित्त से असमंजस खत्म हो जाता है, वो फिर कभी दुविधा में नहीं पड़ेगा। मतलब कैसे समझाएं, अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं, हम तो बोलते जा रहे हैं, समझ आ रही है ना बात।
मतलब दो रास्ते हैं, तो आप रुक करके ये नहीं सोचोगे क्या करें, आप सोचोगे इस पे जाना और यही ठीक है। इतनी असमंजस नहीं रहेगी दिमाग में। ये सत्संग का प्रभाव। और ये कोई हम अपनी मनगणंत बात कह रहे हैं, नहीं, बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक क्या होता है? विवेक बिनु सत्संग विवेक न, विवेक का मतलब सही गलत की पहचान। सत्संग और कुछ देता ही नहीं है, विवेक ही देता, और विवेक ही चाहिए व्यक्ति को जीवन में। व्यक्ति विवेक शून्य होता है इसीलिए संसार में फंसता है, इसीलिए संसार में समाज में कुंठित होता चला जाता है। जिस दिन वो विवेक युक्त हो जाए उसके जीवन में कोई असमंजस होगी ही नहीं। ये सत्संग से मिलता है। तो सब ने जाकर के प्रश्न किया और सूत जी महाराज से कहा, मानव कल्याण करने के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे थे, पर यज्ञ से हमको लगता नहीं है कि हो पाएगा। अब आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कृपा करके आप हमको इनके उत्तर दीजिए। बोले करो, क्या प्रश्न है? तो श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी भगवत मिलन का कोई मार्ग हमको बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ठाकुर जी हमको कैसे मिलेंगे, कृपा करके हमको ये बताओ। और भगवान, कलयुग है, इस ओंकारादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, कलयुग में लोगों पे समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति का पवित्र से पवित्र, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उदाहरण बताइएगा। ये प्रश्न किया। बंधुओं, प्रश्न सदैव कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। प्रश्न कैसा होना चाहिए कि पूछने वाले को भी उत्तर से कल्याण मिले और जो उत्तर दे रहा है उसको भी उत्तर देने में सुख मिले, उसका भी कल्याण हो, और बाकी के चार लोग जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। प्रश्न सदैव ऐसा होना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए कि बस हमारा उत्तर मिल जाए, सीताराम चल दो। प्रश्न सदैव गुरुजनों से कभी करने का अवसर मिले तो ऐसा प्रश्न करो जो बताने वाले, सुनने वाले और पूछने वाले तीनों का कल्याण। अब यहां प्रश्न क्या किया? कृष्ण प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम और सरल सहज उपाय हमको बताइए। एक प्रश्न किया और उस एक प्रश्न में ही 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठकर के कथा सुनाते हैं। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और लोग पीछे पड़े रहते हैं, हमारे व्यासपीठ पर प्रश्न आते हैं, सुदामा जी के माता पिताजी का नाम क्या था बताओ, राम जी की दादी का नाम क्या था बताइए, ये कोई प्रश्न है? क्या करना आपको जान के उनके माता पिता कौन थे, दादी कौन थी? प्रश्न ऐसा करो जिससे सबका कल्याण हो। जब ये प्रश्न किया तब सूत जी महाराज यहां से प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बहुत सुंदर बात। काल रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, समय रूपी सर्प के मुख में हम आप सब लोग भोजन के भांति बैठे हैं, ग्रास के रूप में। कब तक जीवित हैं? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर रहा। जिस दिन काल रूपी व्याल ने अपना मुख बंद कर लिया उसी दिन हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। बंधुओं,
ये मृत्यु हमारी भाई समझ लो या बहन समझ लो, इसका जन्म हमारे संग ही होता है और ये सदैव हमारे गले में गलवियां डाल करके रहती है। जो जो हम बड़े होते हैं त्यों त्यों ये भी बड़ी होती है। बस एक दिन इसको झटका ज्यादा इसने आ जाता है तो बस गले लगा लेती है। जिस दिन इसने गले लगाया उसी दिन हम चले जाएंगे और वो कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, काल रूपी व्याल यानी कि सर्प के मुख में हम आप सब लोग भोजन के भांति हैं, तब तक जीवित हैं जब तक मुख खुला हुआ है। काल रूपी सर्प ने मुख बंद किया उस दिन हमारी मृत्यु हो जानी है। इस मृत्यु के भय को जो दूर करे वो श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस मृत्यु के भय को जो हमारे चित्त से निकाल देवे वो भागवत की कथा है। हे सोनकादि ऋषियों, आप ऐसी भागवत की कथा को श्रवण करो। व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत किस चीज से है? मृत्यु से। कई लोग कहते जरूर है मुझे मरने से डर नहीं लगता, अभी मर जाऊं ये हो जाए वो हो जाए बोलते सब लोग हैं। मृत्यु से सबको डर लगता है, मृत्यु का भय सबके चित्त में होता है। और उसका भय कैसे पता चलता है? अभी पंखे बंद हो जाए यहां के सारे, कूलर बंद हो जाए, पंखे एसी बंद हो जाए, क्या होगा? 5 मिनट बाद ही आप, ये मृत्यु का भय करा रहा है आपसे। आप कहोगे इसमें मृत्यु का क्या भय, गर्मी लग रही। भाई गर्मी देह को लगी है, ये देह जो अपना अभिमान प्रकट करता है ये इसीलिए तो करता है कि उसको मृत्यु का भय रहता है। आपके मन बुद्धि भले ही मृत्यु के भय से कभी कभी ऐसे शहनशाह बन के बोल देते हो कि हमको डर नहीं लगता, लेकिन नहीं, आपका देह भयभीत रहता है। अभी आंधी तूफान आ जाए और पीछे का जो पंडाल है वो थोड़ा सा हिलने डुलने लग जाए तो 2-4 तो भाग जाएंगे यहां से, कहीं गिर नहीं जाए, मृत्यु का भय रहता है। हवा तेज चले तो कण उड़ के आंख में आते हैं, आंख अपने आप बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है? मृत्यु का भय। भोजन करते समय कोई खीरा, खट्टा खीरा कुछ आपको मार नहीं देगा, मुख में अगर आ जाए तो तुरंत हम निकाल देते हैं, तुरंत अजीब सा मुख हो जाता है, ये मृत्यु का भय। आपकी मन बुद्धि संकेत भले ही कर रही नहीं मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन आप हो, आपका तन कहीं ना कहीं भयभीत रहता है मृत्यु से। इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं में भी आपको विचलित कर देता है। कथा बैठ के सुन रहे हैं और 5-10 मिनट में आसन बदलने लग जाए, यूं हो गए पैर लंबे हो गए। कोई तो बेचारे कई जगह कथा में ऐसे श्रोता मिलते हैं, वो महाराज 4 घंटे उनको देखे, मैं देखता ही नहीं फिर, क्यों? वो बस यूं सोचते मैं यहां बिस्तर लग जा, मैं लेटे ही जाऊं, कैसे बैठे भैया। ये सब मृत्यु का भय कराता है। ये तन का, तन की क्रियाओं में बदलाव होना ये मृत्यु का भय है। इसलिए आप कह नहीं सकते कि आप मृत्यु के भय से परे हो, पर श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, अगर आपने निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के आश्रय को स्वीकार कर लिया और आद्योपांत श्रीमद् भागवत के सुंदर रसास्वादन का पान कर लिया तो निश्चित है मृत्यु का भय नष्ट होकर के मृत्यु का उत्सव प्रारंभ हो जाएगा जीवन में। मतलब फिर देह अभिमान नहीं करेगा, फिर ये छोटी छोटी चीजों से आपको विचलित नहीं होगे। धीरे धीरे तन आपका हर प्रकार की स्थिति में सम होने लग जाएगा। अभी अपमान में बुरा लगता होगा लेकिन कथा धीरे धीरे सुनने लग जाओगे, फिर कभी अपमान होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अभी भोजन में स्वाद कम होने पर विचलित हो जाते होंगे लेकिन कथा धीरे धीरे सुनते रहोगे, सुनते सुनते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी भोजन कैसा भी हो पेट भरना चाहिए बस हमारा, चाहे उसमें स्वाद है नहीं है, इससे आपको ज्यादा विचलितता नहीं होगी। कथा सुनते सुनते धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एसी नहीं हो पंखा ही है बस चलेगा, कोई बात नहीं पंखा भी खिड़की दे दो भाई हम इसी में ही रह लेंगे। मतलब कथा आपको ऐसा बना देगी कि आपके देह को फिर
स्थिति परिस्थिति से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके चित्त, आपकी बुद्धि, आपका तन, वो हर प्रकार की स्थिति में सम होने लग जाएगा। ऐसी स्थिति बनने लग जाएगी कथा सुनने के बाद। हम लोग संतों के आश्रम में जाते हैं या पूर्वाचार्यों के यहां जाते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहां बैठते थे, स्वामी श्री हरदास जी कहां पाते थे, श्री हितरवंश महाप्रभु कहां बैठते थे, क्या उनकी स्थिति देखो, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गंगा के किनारे कुटिया बना के रह रहे हैं, कहीं भी खा ले रहे हैं, कहीं भी सो जा रहे हैं, कुछ भी कर ले। क्यों? क्योंकि तन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि फिर उसको किसी भी चीज से प्रभाव और अभाव का अनुभव नहीं होता है। ये सत्संग का प्रभाव, मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है कथा सुनने वाले का। मैं तो कहता हूं कथाओं में कि कथा सुनने वाले श्रोता मृत्यु से भयभीत नहीं होते, मृत्यु का इंतजार करते हैं। उनके लिए तो मृत्यु उत्सव बन जाती है। कैसे? ये 7 दिन की कथा क्या है? ये 7 दिन की कथा हमारे श्याम सुंदर के साथ भामर हैं। हर दिन आप कथा सुन रहे हो, मतलब एक भामर, एक फेरा आपका पूर्ण हो रहा ठाकुर जी के साथ। आज एक फेरा हो गया, कल दूसरा, तीसरा, 16 तारीख तक 7 फेरे हो जाएंगे। 7 फेरे के बाद फिर पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति में सब लोग जाकर के अपने अपने हाथ से थोड़ी थोड़ी आहुति दे दोगे। उसके बाद ब्याह पढ़ाने वाले हम हैं, हम तो चले जाएंगे। आप सबका ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो जाएगा 7 दिन में। और ब्याह होने के बाद में फिर क्या होगा? आप कहोगे महाराज जी ब्याह तो हो गया, तो ब्याह होने के बाद ससुराल जाना चाहिए। हमारे ठाकुर जी भारत की पूर्व प्रणाली के अनुसार चलते हैं। पूर्व में क्या होता था, पहले ब्याह हो जाता था और ब्याह होने के बाद पति चले जाते थे, फिर गौने का इंतजार करो, गौने की अलग तिथि निकलती थी और गौने की प्रतीक्षा करो, जब गौना होगा तब प्रियतम फिर आएगा और आपको संग लेके जाएगा। तो अभी क्या है, ये 7 दिन में कथा सुन के आपका ब्याह हो जाएगा ठाकुर जी के साथ, और 7 दिन के बाद फिर गौने की प्रतीक्षा करो। गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है, हमारी मृत्यु ही गौना। कई लोग खुश होकर ताली बजा रहे, कई लोग दुखी हो गए, मृत्यु गौना। मृत्यु गौना है। उस दिन परिवार के 4 सदस्य जिस प्रकार पालकी में बहू को लेके जाते हैं, ऐसे हमको लेके जाएंगे। हमारे ऊपर जैसे बहू नई दुल्हन जाती है तो उसके ऊपर कुछ डालते हैं ना, क्या आप सामग्री डालते हैं, ऐसे जब लेके जाते हैं उस देह को तो उस पर भी बतासे डाले जाते हैं, क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, उसका श्रृंगार किया जाता है, तिलक विलक लगाया जाता है, शुद्ध नदी के जल से स्नान कराया जाता है, उसको वस्त्र आभूषण वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं, बढ़िया उसको तैयार करके ले जाते हैं और चिता रूपी पालकी में ले जा करके हमको बैठा दिया जाता है। अग्नि रूपी विमान जैसे ही प्रज्वलित होता है, तुरंत प्रियतम आकर के हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं अपने धाम को, ले जाते हैं अपने स्थान को। निरंतर कथा में रमने वाले के लिए मृत्यु भय का कारण नहीं होता। निरंतर कथा में रमने वाले तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि ब्याह तो हो गया, अब गौना कब होगा हमारा, गौने की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये मृत्यु का भय दूर करती है भागवत की कथा। और भयभीत तो कई लोग नहीं होते, कई कई बड़े बड़े राक्षसों को मरने से डर नहीं लगता, बड़े बड़े डाकुओं को मरने से डर नहीं लगता, परंतु श्रीमद् भागवत सकारात्मक रूप से आपकी बुद्धि विवेक और चित्त से मृत्यु के भय को दूर करती है। मृत्यु के भय का दूर होने का मतलब क्या है? बोले अरे चला दो मेरे ऊपर बाण, नहीं डर लगता मुझे, चला दो गोली, नहीं है मुझे भय, ये मृत्यु का भय दूर होना नहीं होता है। मृत्यु का भय दूर होने का मतलब यह है कि मृत्यु आए उससे पहले पहले मैं अपने सारित दूर दूषित स्थितियों को सुधार लूं, मेरी मृत्यु आए उससे पहले पहले मैं भगवत दर्शन कर लूं, मेरी मृत्यु आए उससे पहले पहले इस देह का पूर्ण साफल्य क्या है, इस देह को मिलने का पूर्ण उपयोग मुझे क्या करना है वो मैं कर लूं, ये मृत्यु के भय का दूर होने का मतलब है।
तो श्रीमद् भागवत ऐसा निर्माण करती है, कालव्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत की कथा के विषय में जब महात्मा ऐसा सुनाया तो सौनकादि ऋषि बोले, महाराज ये भागवत की कथा क्या है, जरा इसके बारे में हमें बताओ। बोले, भैया ये भागवत की कथा वो है जो सुनाना भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को दो चीजें दुर्लभ हैं जो हम मानवों को मिली हुई हैं। पहली, भागवत की कथा देवता नहीं सुन सकते। क्यों? देवता बहुत व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों में, इसलिए देवताओं को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। पहली भागवत की कथा, दूसरी तक्रम सक्रश्च दुर्लभ, छाछ मठा पीते हो आप लोग हैं, दही बिलोने के बाद मक्खन दूर होने पर जो बच जाता है छाछ, देवताओं को पीने को नहीं मिलती कभी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कभी भी कोई वस्तु बासी नहीं होती और दूध बासा नहीं होता, इसलिए कभी तक्रम यानी कि छाछ बन नहीं पाते। इसलिए तक्रम सक्रश्च दुर्लभ, देवताओं को छाछ बड़ी दुर्लभ है। तो ये दो अमृत हम लोगों को मिले हुए हैं, एक देह को सुख देता है, दूसरा चित्त को सुख देता है, दोनों का सेवन करना चाहिए। तो बोले, देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत की कथा, ऐसी भागवत की कथा के आश्रय में हमको रहना चाहिए। तब प्रश्न किया, महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, जरा इसके बारे में विस्तार कीजिए। तब विस्तार करते हुए यहां पर कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसस्तुत्र नारद। एक बार की बात है, बद्री विशाल में चार ऋषि भ्रमण कर रहे थे। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों ने नारद जी महाराज को देखा। नारद जी को देखते ही चारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे ब्रह्मन, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बड़े चिंतित हो? बंधुओं, मानव की पूर्ण पहचान उसका मुखमंडल करा देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक और चीज, सत्संग करने वाले की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि वो किसी का चेहरा देख करके परख सकता है कि ये व्यक्ति सत्संगी है कि नहीं। आपकी नहीं पता, पर हमको तो ऐसी हो गई है कि इतने लोग मिलते हैं, व्यक्ति के केवल उपस्थित होके उसके मुखमंडल की आकृति मात्र से इतना अनुभव तो हो जाता है कि ये सत्संगी है कि नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सत्संग की विधा है। सत्संग आपको इतना अनुभवी बना देता है कि आपके नेत्रों के आगे जो आएगा आप उसके चेहरे को देख के ही पता कर लोगे कि ये सत्संगी है कि नहीं। प्रणाम करने की स्थिति से पता चल जाता है कि ये गुरुजन उपाश्रित है कि नहीं। उसके उठने बैठने चलने और शब्दों के प्रयोग से पता चल जाता है कि ये कितना सत्संग करता होगा। सत्संग का प्रयोग बता देता है, उसकी स्थिति बता देती है कि ये सत्संगी है कि नहीं। तो चेहरे से ये पता चलना कि ये थका हुआ है, चेहरे से ये पता चलना ये प्रसन्न है, चेहरे से ये पता चलना उदास है, ये सामान्य बात है। पर चेहरे से ये तक पता चल जाना कि ये व्यसनी है, चेहरे से ये तक पता चल जाना ये कामी है, ये भोगी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, ये सत्संग की कृपा होती है। सत्संग करने वाले व्यक्ति को ऐसी दृष्टि मिल जाती है, वो अनुभव कर लेता है सामने वाले से। तो नारद जी महाराज के मुख को देख करके
सनत कुमारों ने कहा कि भगवान आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी कहते हैं, बोले भगवान क्या बताऊं, बड़ा विचित्र हो गया मेरे साथ। तो बोले क्या? बोले पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में, और प्रशंसा सुनकर के मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन पृथ्वी तो बिल्कुल उल्टी है, जैसी सुनी वैसी तो कुछ भी नहीं है। और ये बात निश्चित है बंधुओं, पृथ्वी पर विद्यमान जितने स्थान हैं सबकी प्रशंसा सुन लीजिएगा, पर जब आप वास्तविक रूप से उस स्थान पर व्यवस्थित होगे तो वो स्थान उतना सुख नहीं देगा जितनी उसकी चर्चा सुख दे रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बात, एक सूत्र बता रहे हैं, सांसारिक वस्तु और भगवत संबंधी वस्तु दोनों में अंतर क्या है। सांसारिक वस्तु चर्चा से बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जब आप उसका उपभोग करोगे तो वो उतनी बढ़िया नहीं लगती जितनी चर्चा में बढ़िया लग रही थी। जैसे अब भोपाल में कोई खाने की वस्तु हो, उसकी कोई बहुत प्रशंसा करे, अरे महाराज वहां की वो कचौड़ी खा लेना, अरे तुम याद कर लोगे, अरे ऐसी है वैसी है जे है वो है आदि आदि। आप अपने योग बनाया, जाके खाने के लिए गए, जैसे ही आपने खाई सो बोले यार इतनी तो बढ़िया नहीं है जितनी तुम प्रशंसा कर रहे थे। ये हमने केवल एक वस्तु के बारे में कहा, लेकिन संसार की हर वस्तु ऐसी है, वो चर्चा में सुख देती है लेकिन उपभोग में सुख नहीं मिलता। लेकिन भगवत वार्ता जितना सुनने में सुख देती है, अनुभव में उससे कई गुना ज्यादा सुख मिलता है। ये अंतर है। आप यहां कथा सुन रहे हैं, सुनने में जितना सुख मिल रहा है, इसी वार्ता का जब आप अनुभव करोगे ना, तो अनुभव तो स्थिति ऐसी कर देगा कि बस जैसे कबूतर का पंख आकाश से ऐसे लहराता ना, ऐसे लहराओगे आकाश में, इतने हल्के अनुभव करोगे अपने आप को, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे। कभी ठाकुर जी ने यदि इतना सा भी संकेत, कोई अनुभव, सांकेतिक अनुभव भी यदि करा दिया, आप प्रसन्न हो जाओ। यही अंतर है संसार में और आध्यात्म में। आध्यात्मिक स्थिति केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं है, उसका अनुभव कीजिए एक बार, वो अनुभव चर्चा से ज्यादा सुख देता है। तो नारद जी महाराज ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुनी, घूमने के लिए जब पृथ्वी पर आए, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज बोले पृथ्वी पर जब मैं भ्रमण करने के लिए गया तो बोले मैं तीर्थ क्षेत्रों में गया तब मेरी ये स्थिति हो गई, कहीं मैं गैर तीर्थों में चला जाता तो क्या होता। तीर्थों में जाकर के मैंने क्या देखा, बोले सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। तीर्थ तो बड़े पवित्र हैं, तीर्थों की नदियां बड़ी पवित्र हैं, तीर्थों की महिमा बड़ी पवित्र है, पर तीर्थ आने वाले लोगों से अनुभव किया गया तो उनके स्वभाव व्यवहार और बुद्धि ये तो बड़ी संकीर्ण है, कैसी है। बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम् दयादानम् न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनना, सत्यम नास्ति, सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है। बंधुओं कभी आपने, अभी जैसे श्रावण का महीना आएगा तो श्रावण के महीने में लोग व्रत करेंगे और फिर दुनिया में गाएंगे, तुमको पता हमने एक महीना से हम केवल फल खा के जी रहे हैं, तुमको पता हम ऐसे कर रहे हैं, आपको पता महाराज जी हम एक समय ही व्रत कर रहे हैं, बस मतलब एक समय ही खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इतना व्रत आप लोग गिनाते हैं, आप लोग नहीं मतलब दुनिया के लोग। अच्छा मुझे पता है, व्यासपीठ से कहूं बुरा नहीं मानिएगा, अपनी भक्ति गिनाने वाले लोगों से मुझको कभी कभी लगता है क्यों गिनाते हो आप, कभी पाप तो गिनाए नहीं, कभी दूषित कर्म तो गिनाए नहीं, कितना झूठ बोलते हैं इसकी गिनती तो है नहीं, फिर हम माला कितनी करते हैं ये क्यों गिनाते हो,
हम मंदिर कितना जाते हैं ये क्यों गिनाते? साल में वृंदावन कितनी बार गए इसकी गिनती क्यों? रोटी की गिनती करते हो कितनी खाली हमने? ठाकुर जी को क्यों गिनते रहते हो फिर? ये गिनती करनी है ना तो अपने दूषित कर्मों की करो, ठाकुर जी के प्रेम की गिनती कभी नहीं होनी चाहिए। लोग पूछते महाराज जी कितनी माला जपें, कितना नाम जप करें, कितनी देर सेवा करें, उसमें कोई अवधि नहीं होनी चाहिए। यथाशक्ति जितनी तुम्हारी शक्ति हो करो, उसमें कोई नियम नहीं होना चाहिए। तो नारद जी महाराज कहते हैं भगवान सत्यम नास्ति, लोग सत्य नहीं बोलते। आप एक दिन ऐसा बता दीजिए कि सुबह उठने से रात्रि सोने तक आपने एक भी झूठ ना बोला हो, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई झूठ तो बोलते हैं। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। बाहर की पवित्रता भले ही है, भीतर से दूषित है हम सब लोग। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दया नहीं है हमारे अंदर। दानम नास्ति, उदर भरिणो जीवा, केवल एक चीज पर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। ऐसा कुछ करें हमारा पेट भरा रहे, हमारे भोजन पानी चलते रहे बस। अच्छा आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कथा वक्ताओं की बात कथा वक्ताओं पर ही थोप दी जाती है। अब हम ये बात कह रहे हैं लोग हम पे ही थोप देते हैं। अच्छा महाराज जी आप भी तो कथा इसी के लिए ही कर रहे हो आप भी तो कथा इसी के लिए कर रहे हो कि आपका पेट भरा रहे। उधर वरिण जीवा, हाँ कर रहे हैं हम, इसी के लिए कर रहे हैं। पर इसके लिए कर रहे हैं कि कथा करने से इतना मिले कि अगली कथा भी कर सके, भगवत चर्चा कर सके, इसके लिए पेट भर सके, भर जाए हमारा कि हमारी चर्चा चलती रहे, भगवत वार्ता में विक्षेप ना आए, इतना अन्न तो मिले। इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे हैं अगर कि कथा करने से इतना मिले कि खा पी करके घर जाके पड़े रहें, फाइव स्टार होटलों में घूमते रहें, कहीं डोलते रहें, ऐसा इसके लिए नहीं कर रहे हैं। भोग भोगने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कथा कि इतना मिले कि इतना बल तो आवे तन में कि अगली कथा भी कर सकें और नए देशों में शहरों में जाकर के भगवत चर्चा सुना सकें। इसके लिए उधर भरने की कोशिश करते हैं, अपने उपभोग के लिए नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज बोले पृथ्वी बड़ी विचित्र थी। अब पूरा उसका वर्णन करना तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही हमने बता दिया। ऐसी स्थिति देखी पृथ्वी की, तभी नारद जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन में यमुना जी के तट पर जाकर के देखा कि एक परम सुंदरी युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। युवती से पूछा तुम कौन हो, तब उस युवती ने बताया अहम भक्ति ऋतिख्याता एमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज बोले देवी आप युवान हो और पुत्र वृद्ध क्यों? बोले क्योंकि महाराज जी भक्ति सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य को कोई स्वीकार नहीं करता। सब करते हैं इसलिए मैं तो युवान हूं, मेरे पुत्रों को कोई स्वीकार नहीं करता इसलिए दोनों वृद्ध हैं। मेरे अंदर आपके अंदर भक्ति तो खूब है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा आपके पास में होना, यह ज्ञान नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दो चीज होती हैं। क्वांटिटी ज्यादा लोगे तो निश्चित है क्वालिटी डाउन होगी, पर क्वालिटी पर ध्यान दोगे तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी। ज्ञान भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा लोगे तो क्वालिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ा लो लेकिन क्वालिटी बरकरार रखो। रावण के पास में क्वांटिटी बहुत थी, बहुत ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था महाराज
नए नए स्तोत्र बना करके महादेव को सुनाता था, ज्ञानी बहुत था पर क्वालिटी नहीं थी। ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान कहते किसको हैं? ज्ञान का मतलब बहुत ग्रंथों का, बहुत किताबों का, बहुत देशों की जानकारी होना ज्ञान नहीं होता। जीवन कैसे जीना चाहिए बस इतनी जानकारी हो जाए तो समझो इतना ज्ञान ही क्वालिटी युक्त है, बस यही आपका कल्याण कर देगा। बहुत ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, विवेकी होना जरूरी है, सही गलत की पहचान होना बहुत आवश्यक है। ज्ञानी तो बहुत लोग हो जाते हैं आजकल। बहुत ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं ज्ञान, विवेक युक्त होना। और या फिर ज्ञान का दूसरा स्वरूप होता है कि ज्ञान तो है पर भक्ति युक्त ज्ञान है। भक्ति विमुक्त ज्ञान होगा तो ज्ञान अहंकार को जन्म देगा, अहंकार आ जाएगा चित्त में। भक्ति का पुत्र है ज्ञान, इसलिए भक्ति युक्त होना चाहिए। अधिकतर हमने देखा ज्ञानी लोगों में भक्ति नहीं होती, भाव नहीं होता, बस वो ज्ञान के बल पर रहते हैं। ज्ञान तो ये भक्ति का प्रथम पुत्र है, ज्ञान यानी कि विवेक। और भक्ति का दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी बच्चों को छोड़ छाड़ दो, अपने सब व्यापार छोड़ दो। नहीं, वैराग्य मतलब राग रहित होना, इसको कहते हैं वैराग्य। राग किसको कहते हैं? राग का मतलब होता आसक्ति। आसक्ति रहित व्यक्ति जो है वो परिवार में भी रहे, व्यापार भी करे, पत्नी बच्चों के संग रहे, पर राग रहित होकर के रहे तो इसलिए वो वैरागी माना जाएगा। राग रहित मतलब आसक्त रहित। पुत्र में प्राण बसते हैं, जरा सी खरोंच आ गई महाराज रो रो के बेहाल कर दिया घर, इसको कहते हैं आसक्ति। व्यापार में आसक्ति, जरा सी मंदी क्या आ गई रात भर की नींद उड़ गई है, ये आसक्ति है। ब्याह के एक महीना बाद पत्नी मायके चली गई तो दो महीना नींद ही नहीं आ रही है, याद में रो रहे हैं महाराज कब आओगी, ये आसक्ति है। इनसे रहित जो है, पत्नी के साथ भी रहे, बच्चों के संग भी रहे, व्यापार में भी रहे, परिवार में भी रहे, सबके संग रहते हुए भी आसक्ति रहित रहे, उसकी एब्सेंस आपको विचलित ना करे, इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता है। कई लोग हैं सब छोड़ देते हैं लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ पाते। मतलब पत्नी से दूर चले गए, बच्चों से दूर चले गए, घर परिवार से दूर चले गए, रात भर रो रहे हैं याद में, कैसी है ये? कोई त्याग थोड़ी है, ये कोई वैराग्य थोड़ी है। वैराग्य का मतलब वस्तु सामने है पर वस्तु सामने होते हुए भी मन विचलित ना हो उसके प्रति, उसको वैराग्य कहते हैं। ये दो पुत्र हैं भक्ति के। जब तक ये तो पुत्र जीवन में नहीं आएंगे तब तक आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है, तब तक आपकी भक्ति आनंद देने वाली नहीं हो पाएगी। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को विद्यमान रखो। कभी कभी मुझे लगता है वैराग्य के विषय में, अभी बागेश्वर धाम में भी मैं कह रहा था, लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत में अन्न का त्याग कर देते हैं, अन्न छोड़ देते हैं। वास्तविकता में व्रत कैसा होना चाहिए? उस वस्तु का त्याग करो जिसके बिना आप विचलित हो जाते। अब के सोमवार, अब के मंगलवार, अब की एकादशी पर उस वस्तु के बिना रहना जिसके बिना आप रह नहीं पाते। और ये कोई इसका मतलब ऐसा नहीं कि कई भक्त ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो बोले महाराज जी आप ठाकुर जी के बिना रहने की बात करो, नहीं, संसार की वस्तु जिसके बिना रह ही नहीं पाते। कोई व्यसनी अगर यहां बैठा है, पीता हो,
खाता हो या कोई और व्यसन उसके अंदर हो, उसका एक दिन त्याग करे। खूब दबा के रोटी खाओ लेकिन उसका त्याग करो जो व्यसन आपके अंदर है। विश्वास मानिएगा, आपके इतने मंगलवारों में हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए होंगे, जिस दिन आप व्यसन का त्याग करके अपना व्रत करोगे, स्वप्न में हनुमान जी जरूर आएंगे उस दिन। बोले भैया मैं तो बहुत खुश हूं भैया, आज तेने असली व्रत किया है। बताओ बंधुओं, अन्न का त्याग करने की दो विधाएं, व्रत के दिन अन्न क्यों नहीं खाते, दो कारण है। पहला जो आध्यात्मिक कारण है वो ये है कि अन्न खाने से हमारी आयु कम होती है। दो चीजों पर हमारी आयु निर्भर होती है, एक तो बहुत खाने पर और एक बहुत बोलने पर, इन दो चीजों से आयु कम होती है। इसलिए दो ही व्रत किए जाते हैं, अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत, ये दो ही व्रत की विधा बताई गई है। लेकिन अब समय बदल गया है, आदमी वैसे ही मौन रहता है, क्यों, मुख से नहीं बोल रहा लेकिन सोशल मीडिया पर बड़े बड़े खर्रा डालता है लिख लिख के, मुख से नहीं बोल रहा लेकिन व्हाट्सएप पे चार चार पैराग्राफ लिख के भेज रहा है। तो आजकल मौन की और अन्न के त्याग के व्रत की कोई महिमा रह नहीं गई है इतनी ज्यादा। अब व्रत बदलना चाहिए, अब व्रत में उस वस्तु को लाओ जिसके बिना तुम रह नहीं पाते। प्राचीन काल में जब फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तब आदमी पे दो ही काम थे, या तो बोलता रहता था या खाता था, तीसरा कोई काम क्या था आदमी के पास। इसलिए व्रत के नियमों में इनको बता दिया गया। तो व्रत दो कारणों से किया जाता है। आध्यात्मिक कारण तो यह है कि अन्न एक दिन आप नहीं खाते हो तो आपकी आयु बढ़ती है, और दूसरा कारण यह है कि जब आप अन्न सेवन नहीं करते हो तो एक दिन आप उस वस्तु के बिना रहते हो जिसमें आपकी आसक्ति, ये प्राचीन काल में आसक्ति थी अन्न के अंदर, अब नहीं है। अब व्यक्ति चार दिन भूखा रह लेगा लेकिन चार दिन फोन के बिना नहीं रह सकता। हमारे एक पंडित जी हैं, उनका बागेश्वर धाम में फोन चोरी हो गया, बेचारे रात रात भर नहीं सो पा रहे, इतने विचलित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं टेंशन के मारे। कभी कभी लगता है, तो इनके व्रत होने चाहिए, इसका व्रत हो, और भी ऐसे व्यसन हैं हमारे जीवन में जिनके बिना हम रह नहीं पा, उसका व्रत करो। और विश्वास मानिए, जिस दिन आप इसका त्याग करते हैं, जिस दिन आप उन वस्तुओं का त्याग करते हैं जिनके बिना आप विचलित हो जाते हो, उस दिन आपका वैराग्य पुष्ट होगा। इसको कहते हैं वैराग्य की पुष्टता, तब भक्ति महारानी प्रसन्न होगी। तो हम क्या कह रहे थे, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को सही रूप से जीवन में लाओ तब भक्ति आउटकम देगी अपना। भक्ति महारानी दुखी होकर के नारद जी से कहने लगी, मेरे बालक बहुत दुखी है, नारद जी आप कृपा करो। नारद जी महाराज कहते हैं कि वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। अरे भक्ति तुम दुखी क्यों होती हो, ठाकुर जी के चरणार विंदों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। बंधुओं एक काम किया करो, कभी कभी ठाकुर जी के जिस भी मंदिर में जाओ ना, उनके उनके रूप का दर्शन तो करना, पर चरण का चित्र नेत्रों से खींच करके चित्त में रख लेना। और जब भी जीवन में कोई कष्ट आवे, आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, तब नेत्र बंद करके ठाकुर जी के चरण कमलों का दर्शन करते हुए उनका स्मरण करना। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं भगवान के चरण कमलों का जो व्यक्ति चिंतन करता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, जहां कहीं भी दर्शन करने जाओ ठाकुर जी के चरणों पर दृष्टि जरूर डाला करो, ठाकुर जी के चरण कमलों का नित्य स्मरण किया करो। हो ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के करताल बजा के गाओ जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो मीरा पुकार गिरधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी एक इशारे में टाली विपदा सारी तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया।
कर दिया तेरा दुख क्या है, तो मेरा दुख क्या है सुनो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। मेरे सारे दुख आपको पता है ठाकुर जी, पारिवारिक दुख हो, स्वास्थ्य का दुख हो, शारीरिक दुख हो, जीवन में दुख हो, सब पता है। पर सबको नजरअंदाज करो, एक अलग का दुख है उसको पूर्ण कर दो। ठाकुर जी कह रहे हैं क्या दुख है, आप हमको दिख नहीं रहे हो ठाकुर जी, सबसे बड़ा दुख है, बस इस दुख को पूर्ण कर दो नाथ। देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन सावरिया,
ज्ञान और वैराग्य दोनों का कष्ट देख भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि आप इनके कुशलता का कोई साधन बताओ। तब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए गीता का पाठ, वेद वेदांतों का, भागवत का एवं वेदों का पाठ सुनाते हैं। तो जब तक पाठ सुनते हैं तब तक तो दोनों ठीक रहते हैं, जैसे ही पाठ पूर्ण होता है फिर वृद्ध हो जाते हैं। नारद जी महाराज ने संतों से जाकर के पूछा कि महाराज ज्ञान वैराग्य की कुशलता के लिए ठाकुर जी ने सत्कर्म की आज्ञा की है, कृपा कर मुझे ये बताएं सत्कर्म कहते किसको है। तब नारद जी महाराज सत्कर्म पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में फिर यही प्रश्न उन्होंने सनत कुमारों से किया। सनत कुमारों से पूछने पर सनत कुमारों ने उत्तर दिया है, द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्यायज्ञ और ज्ञानयज्ञ, ये पांच प्रकार के यज्ञ ही सत्कर्म हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है किसी को ज्ञान प्रदान करना, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और ज्ञानों में भी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान श्रीमद् भागवत का ज्ञान है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। श्रीमद् भागवत की कथा इस सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत में सब आ जाते हैं, सारी कथाएं, सारे वेदों के, सारे उपनिषदों के, सबका सार भागवत में विद्यमान है, ऐसी भागवत जी का सार है। सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत की कथा कराओ।
तब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से ही प्रार्थना की कि महाराज आप ही सुना दो, आपसे बढ़िया वक्ता नहीं मिलेगा। तब सनत कुमारों ने ऋषिकेश में, आनंद वन को ही ऋषिकेश कहते हैं, गंगा के द्वार आनंद वन में आकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। असंख्य श्रोता उसमें पधारे, देवता पधारे, ऋषि पधारे, सब पधारे। तभी समस्त उन श्रोताओं के मध्य भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का प्रादुर्भाव हुआ, तीनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहु वदन्ति। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए, तीनों युवान हो गए। बंधुओं, कथा जब आप सुनेंगे तो ऐसा होगा कि आपकी भक्ति पहले से श्रेष्ठ होने लग जाएगी, ज्ञान पहले से ज्यादा तीव्र होने लग जाएगा, वैराग्य पहले से ज्यादा कुशल हो जाएगा। परंतु हमको क्या चाहिए कि कथा के बाद भी ये दोनों तीनों कुशल बने रहे। होता क्या है, जब तक हम कथा सुनते हैं तब तक तो ये सधे रहते हैं, कथा पूर्ण होते ही तीनों फिर से वृद्ध हो जाते हैं। नहीं, इनकी कुशलता सदा बनी रहनी चाहिए। तो भक्ति महारानी इस प्रकार पुष्ट हो गई। नारद जी महाराज से कहा, मैं कहां बैठूं? नारद जी ने कहा, सबके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग सुनाया गया। भागवत के महात्म के दूसरे भाव में यहां से चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। और कौन कौन से पापों से कथा मुक्त करती है, कैसे कैसे प्रकार के पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पाप रहित हो जाते हैं, ये बताया गया। कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलौ कथामयेन कृपालुभे लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग। बहुत सावधानी से सुनिएगा। के विशुद्ध्यन्ति मह्यं वदन्तु मह्यं, कौन कौन से पाप कथा सुनने से शुद्ध होते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। नारद जी महाराज पूछ रहे हैं। तब यहां संत कुमार कहते हैं, बोले ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, दुनिया में ऐसा कोई पाप बचा ही ना हो जो किसी मानव ने ना किया हो। ऐसे घनघोर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, कलयुग में यदि सप्ताह कथा सुन ले तो उसके पाप नष्ट होंगे। लेकिन एक बात सुनिए, आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर से जाकर के आपने कहा, महाराज मेरा बीपी बहुत हाई रहता है। डॉक्टर से आपने कहा, मेरे को शुगर की बीमारी हो गई, शुगर हाई हो गया है। डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, बोले ये खाली पेट लेनी है, ये भोजन के बाद लेनी है, रात में सोते समय लेनी है, एक महीने तक दवाई लेना, उसके बाद शुगर चेक करवाने आना। एक महीने तक आपने दवाई ली, दवाई लेने के बाद डॉक्टर के पास गए, बोले लो महाराज एक महीना हो गए। डॉक्टर ने जैसे ही शुगर चेक करी तो महाराज 350 पार। डॉक्टर बोला, तुमने एक महीना दवाई ली? बोले हाँ, 300 में लेता था महाराज, सुबह दोपहर शाम। फिर तुम्हारी शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हुई? पता नहीं महाराज, जैसे आपने की वैसे ली। अच्छा भोजन पानी क्या करते थे? बोले सुबह कचौड़ी खाता था, दोपहर में बढ़िया जो है दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया बेहतरीन, और रात्रि में कोई फास्ट फूड खा लेते थे, बाहर जाते थे बच्चों के साथ। अब हमको लगता है शुगर की दवाई तो है ही, खाओ उड़ाओ जोरदार मालपुआ जलेबी रसगुल्ला गुलाब जामुन कलाकंद बालूशाही, कुछ नहीं छोड़ा महाराज। डॉक्टर बोला, भले आदमी, तो फिर कैसे शुगर कम होगी तुम्हारी? औषधि तो लेते हो लेकिन परहेज नहीं करते। अब आजकल कलयुग में यही हो रहा है, आदमी कथा रूपी औषधि तो लेता है लेकिन परहेज नहीं करता।
कथा तो सुनते हैं लोग, कथा में तो भीड़ होती है लाखों की, लेकिन परहेज नहीं करते। भागवत का परहेज क्या है, वैष्णव का परहेज क्या है? बहुत सारे परहेज हैं। एक तो कल से कथा में बैठे ना, तो एक कागज पेन लेके बैठा कीजिए, सबके हाथ में दिखना चाहिए मुझे, और जो बढ़िया बात लेके लिखो। भैया ये कोई कथा कोई मनोरंजन का विषय थोड़ी है, मैं मंच पे आया, आपने माला पहना दी, थोड़ा स्वागत सत्कार हो गया, पुष्प वर्षा कर दी, हो गया काम। नहीं, हमको तो, मैं तो स्वागत सत्कार से और बचता और हूं। कथा सुना कीजिए, जीवन उपयोगी बात मिले तुरंत लिखा कीजिए। कथा के कई परहेज हैं, जैसे कथा का परहेज क्या है, कथा सुनने वाले वैष्णव को परहेज क्या करना चाहिए। 10 प्रकार के परहेज हैं, कल बताएंगे हम 10 परहेज, उनका पालन कीजिएगा। बाकी तो कथा में आते रहेंगे, वो परहेज की एक अलग ही लिस्ट बना लीजिए। 10 तो मैं कम कह रहा हूं, और भी बढ़ेंगे, लेकिन 10 चुन के कल बताऊंगा। अभी बहुत सारे आ रहे हैं दिमाग में, हम भी खुद चुन के लाएंगे, उनको लिखना। फिर वैष्णव के 10 परहेज होने चाहिए। तो कथा सुनना तो औषधि लेने जैसा है। भव रोग जो हमको हुआ है वो रोग को नाशक तो बनाएगी, रोग को दूर तो करेगी भव रोग को, लेकिन केवल औषधि लेते रहोगे, परहेज नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा वॉक भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ता है, परहेज तो आवश्यक है। सनत कुमार कहते हैं, भैया दुनिया में कितने भी पाप किए हो, व्यक्ति ने कितना भी भयानक रोग क्यों ना हो गया हो पाप का, कथा रूपी औषधि में सामर्थ्य है उसको नष्ट करने की, पर संग में परहेज भी करना पड़ेगा। आपका कितना भी बड़ा पाप हो नष्ट हो जाएगा, ये गारंटी ले रहे हैं यहां पर। सबसे पहला परहेज तो एक ही है कि जो आप कथा में सुन रहे हो वो केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पिवत भागवतम रसमालयम, श्रवण की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं पियो, क्योंकि पी हुई वस्तु शरीर में लगती है और दिखती भी है। जैसे एक कटोरी घी रोज पीने वाला व्यक्ति 6 महीने बाद देख लेना, गाल लाल दिखेंगे, गदमदरा से हाथ हो जाएंगे, पैर वैर सब बढ़िया उसके गदमदरा हो जाएगा। गदमदरे का मतलब क्या होता है, खूब भारी हो जाएगा, चेहरे से पता चल जाएगा खाता पीता होगा चक। शरीर की आकृति से ही रसोई में बनाने वाले रोटी रसोईया पता कर लेता, इतनी रोटी तो चाहिए होंगी इसको। तो शरीर में दिखना चाहिए कि आप कथा सुनते हो, आपके शरीर में लगे, आपका चलना फिरना उठना बैठना बता देता है कि आप कथा सुनते हो कि नहीं। कई लोग बच्चे प्रणाम करते हैं ना, तो उनके प्रणाम करने की विधा से पता चल जाता है कि ये कुछ नहीं जानते। जो प्रणाम ऐसे होता ना, ऐसे समझ जाते हैं इनको कुछ नहीं आता, बेचारे बस दबाव में प्रणाम कर रहे हैं। और एक प्रणाम की विधा होती है कि जैसे ही आपको वैष्णव दिखा तो आपने ये भी विचार नहीं किया कि पृथ्वी पर कींच पड़ी है कि धूल पड़ी है कि क्या है, बस लेट गए दूर से दंडवत। ये भी अभिलाषा नहीं कि इनको छीना है हमें जाके, जहां दिख गए वहीं प्रणाम, लगता है कि हाँ वैष्णव संग करता है। निश्चित ही ठाकुर जी की कथा सुनने का प्रेमी, हनुमान जी महाराज के विषय में एक प्रसंग आता है कि राम जी जब ये बात प्रस्ताव रखी गई कि भाई लंका कौन जाएगा, सारे बानर उछल रहे थे, हमको भेजो हमको भेजो हमको भेजो, हम लेके आएंगे, देखो मुझमें इतना बल, देखो मुझमें ये बल, मुझमें ये बल। सबसे पीछे कौन है, मैं एक शिला पर बैठे थे हनुमान जी महाराज चुपचाप, जामवंत जी ने उन्हीं को चुना। अपने आप को बार बार प्रस्तुत करता होगा, निश्चित है वो सत्संगी व्यक्ति नहीं होगा। सत्संगी व्यक्ति का लक्षण ये होता है कि वो स्वयं को गौड़ रखेगा, छुपाएगा, बार बार प्रस्तुत नहीं करेगा।
कोई काम बताइए मैं करूं, बताओ मैं करूं, अरे मैं कर दूंगा, आप मुझे बस बताओ। नहीं, सत्संगी व्यक्ति हाथ जोड़े पीछे खड़ा रहेगा, उसमें सारी सामर्थ है लेकिन वो दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि वो सामर्थ्यवान है। सत्संगी का लक्षण है। तो कथा पियो, दिखे आपके शरीर में, आपके आव भाव नैन नक्शे पता चले कि आप कथा सुनते हो। इस प्रकार कहते हुए कहने लगे, कितने भी बड़े पाप किए हों कथा सुनने से सब मुक्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज बोले, अच्छा माता पिता से द्रोह करने वाला पाप यदि किसी बालक ने किया हो, कथा उसको भी पवित्र करती है? तब सनत कुमार कहते बोले, निश्चित। और इसी के प्रमाण स्वरूप में कथा सुनाई इसकी धुंधुकारी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सबको कथा पता है, हम बस शीघ्र में कहकर के कथा को विराम देते हैं। धुंधुकारी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने एक फल दिया, आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वो फल जाकर के दे दिया। पत्नी धुंधुली ने वो फल गैया को खिला दिया। गऊ के खाने से बांझ गैया के गर्भ से गोकर्ण नाम के पुत्र का जन्म हुआ और स्वयं ने एक सहेली के पुत्र को ही अपना लिया, वही धुंधुकारी हुआ। बड़े होकर के धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। पुत्र के द्वारा प्रताड़ित करने पर आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, घर छोड़ करके एक बार चले गए। मां ने तो कुआं में कूद के प्राण ही त्याग दिए। तब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। इसी को दो श्लोक की भागवत हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, इसको दो श्लोक की भागवत कहते हैं। बहुत सुंदर। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्पम। बहुत सावधानी से सुनो, बस ये दो श्लोक सुन के हम कथा विराम करेंगे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी व्यक्ति को दुख केवल दो वस्तु देती हैं। कितनी बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात है कि हम केवल दो साधनों से दुखी होते हैं। पिताजी पहला दुख का कारण होता है अहमता, अहंकार। और अहमता सदैव अपने तन में होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सूत्र पर, यदि आपने देखो कथा, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कथा सुनने का विषय नहीं, चिंतन किया करो। हम तो केवल सूत्र देंगे, उस सूत्र पर चिंतन आपको करना है। अगर आप चिंतन नहीं करोगे उसका, तो वो सूत्र किसी काम का नहीं। मतलब सीधी बात, हम केवल बीज देंगे, उसको पौधा और वृक्ष बनाना का काम आपका है। बीज से पेट नहीं भरेगा, बीज को जब बोओगे पौधा होगा, पौधे से वृक्ष होगा, सही समय पर उसको धूप जल देते रहोगे तब उसमें फल लगेगा, तोड़ के खाओगे तब क्षुधा निवृत्त होगे। इसलिए कथा तो बीज है, बोना आपको है। और बोना किसको कहते हैं? चिंतन ही बोना है।
और इस चिंतन के बीच में मनन ही उसको धूप देना और जल सिंचन करने के समान है। बीच बीच में सत्संग करना माने जल सींच रहे हो आप उस बीज को। एक दिन वही बीज फिर वृक्ष बनेगा, उसमें जब फल लगेगा वही फल कृष्ण और राम होंगे। जब उनका सेवन करोगे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बीज दे रहे हैं, इस बीज से वृक्ष बनाओ, वृक्ष पर फल कृष्ण राम का लगेगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, चिंतन करना इन बातों का। पहला दुख का कारण क्या है? अहमत्व। और अहंकार सदैव तन में होता है, खुद में होता है। पहला दुख का कारण अहमत्व, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी दुकान, मेरी मकान, मैं ऐसा, ये मैं और मेरा, ये दो दुख के कारण है। मैं को अहमता कहते हैं, मेरे को ममता कहते हैं। ये दो दुख के कारण है हमारे जीवन में। अगर व्यक्ति को सुखी होना है तो पहले अहमत्व का त्याग कर दे। कुछ भी श्रेष्ठ करने के बाद में सदैव ये विचार करे, क्या वास्तव में मैं ये कर सकता था? नहीं। भगवान जब अपनी लीला पूरी करके गए तो अर्जुन को कहकर के गए, तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ श्री जी की शरण में। तो अर्जुन को उस समय दुख तो हो रहा था कि ठाकुर जी लीला पूरी कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म अहंकार था, बोले कि अष्ट पटरानियों की जिम्मेवारी मुझको दी, क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं, मैं इन आठों को सुरक्षित ले जाऊंगा। भगवान बोले, हो गया अहंकार। अरे अर्जुन, गांडीव धनुषधारी तू है, इसका अहंकार करता है। भगवानी छग्म वेश धारण करके आए और आठों को चोरी करके ले गए, अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। उस दिन अर्जुन अपने गांडीव धनुष को देखता है और सोचता है इसका बल कहां चला गया। तब उसके नेत्र बंद होते, सारी रील घूमती है और तब उसको पता चलता है, बोले कि मैंने श्रेय लिया कि कौरवों को मैंने हराया, लेकिन वास्तव में कौरव तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन वो कृष्ण के विपक्ष में खड़े हो गए थे। कौरवों को अर्जुन ने थोड़ी हराया, कौरवों को युधिष्ठिर ने थोड़ी हराया, कौरवों को भीमसेन ने थोड़ी हराया है। कौरवों की हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो श्री कृष्ण के विपक्ष में खड़े हैं। रावण की, कुंभकर्ण जैसे बलशालियों की हार तो उसी दिन हो गई जिस दिन वो राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए। आप लोग कभी अनुमान लगाना, हमेशा आप कथाओं में यही सुनोगे, बलि इतना पावरफुल था, रावण इतना बलशाली था, कुंभकर्ण इतना बलशाली था, जरासंध में 10,000 रथियों का बल था, कंस इतना शक्तिशाली था, पूतना इतनी विशाल विकराल, ये सर्वगुण संपन्न थे, शक्ति में कोई कमी नहीं, फिर भी हार क्यों गए? क्योंकि विपक्ष में कृष्ण खड़े हैं, विपक्ष में राम खड़े। जो व्यक्ति अपने बल का, बुद्धि का, विवेक का अहंकार करता है वही राक्षस है, और उसके विपक्ष में सदा कृष्ण खड़े होते हैं। इसलिए तुम्हारी हार निश्चित होगी, आज नहीं तो कल होगी, होगी जरूर। इसलिए कभी अहमता नहीं। कितना भी कुछ बड़ा कुछ कर लीजिए, सदैव विचार कीजिए, मेरी योग्यता थी ही नहीं, श्री कृष्ण ने कराया। व्यक्ति को अपना जीवन ऐसा व्यवस्थित करना चाहिए, पुण्य करे, अच्छा करे, ठाकुर जी को बल दे, और जब कुछ गलत करे तब अपने ऊपर ले, ये मैंने किया है, सुधारूंगा भी मैं। हम उल्टा करते हैं, गलत हो जाने पर थोप देते हैं, होई सोई जो राम रची राखा वही होता है जो राम जी चाहते हैं, और कुछ अच्छा कर देते, मैंने किया, मेरे द्वारा संपादित किया गया। उल्टा कीजिए, कुछ भला करते हो, कुछ अच्छा करते हो तो ठाकुर जी को कहिए, होई सोई जो राम रची राखा, और कुछ अपराध करने पर कान पकड़िए, नहीं ये मैंने किया, ये मुझसे हुआ है। तो पहले तो अहमता का त्याग कीजिए। अहंकार किस लिए करते हो? अपने तन के ऊपर। आज अभी इसी वक्त कथा के बाद अपने शरीर को आज्ञा कीजिएगा कि हाँ भाई, अब तू हो गया 40 साल का, 35 साल का, 25-26 साल का, बस तेरे को खूब खिला पिलाया, जैसा तू चाहता है वैसा खिलाते हैं, जैसा चाहता है उतना सुलाते हैं, जो चाहता है तब तुझे पिलाते हैं, तेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमारी एक बात नहीं मानेगा? तन कहेगा बताओ क्या मानूं? बोले अब तू बुढ़ा नहीं होना, हाँ बस अब तू यहीं रुक जा, जितनी तेरी अवस्था, जितनी तेरी उम्र है, बस तू यहीं व्यवस्थित हो जा। मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा।
तो जो आपके वश में है ही नहीं उस पर अहंकार क्यों करते हो? पुत्र पर अहंकार तब किया जाए ना कि हां मैं जैसा कहूंगा वैसा करेगा, जो आपके वश में ही नहीं है। घर में लोग पालतू कुत्ता रखते हैं, रखते तो हैं, लेकिन वो कुत्ता उनकी माने तो उसको पालतू कहा जाए, उसको कह दिया जाए जो भी नाम होते हैं, टॉमी वैसे तो रखने नहीं चाहिए घरों में। ऐसा कहते हैं कि भाई कहीं उसमें आसक्ति हो गई ना तो फिर उसके होने वाले वंश में आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो जब आपकी मृत्यु होगी आप ही उसके वंश में आओगे फिर। अरे इन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया, इतना मुझे खिलाया पिलाया, प्रेम दिया, मुझे बिस्तर पर सुलाते थे, हे ठाकुर जी इन पर कृपा करना कि मेरे वंशधर यही बने आगे चल के। तो कहीं ऐसा उसका भाव ना हो जाए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बाकी प्रेम तो सबसे करो। तो सुनो, अगर वो आपकी बात ना मानता हो, कई लोगों घरों में मिल जाते हैं, वो भौंक रहा है आपको, ए चुप हो जा, नहीं मोवे चुप, भौंकता ही जाए, आप उसको बांध करके सुबह घुमाने ले जाओ और आपको पता है कि काटने दौड़ेगा, आपके कहने पर रुक जाएगा तो उसको घुमाने ले जाओगे, लेकिन यदि वो आपके कहने से रुके ही ना, काट ही जाए सबको, ऐसे को तो पिंजरे में बंद रखोगे, बल्कि कहीं दे आओगे, भाई ये हमारे किसी काम का नहीं। ठीक वैसी देह हमारा, हमारी मानता कितनी है ये बातें। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी मोटा ना हूं, लेकिन फिर भी ये बढ़ता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं कभी वृद्धावस्था को ना जाऊं, लेकिन फिर भी बाल सफेद होंगे, कानों से सुनना कम हो जाएगा, आंखों की ज्योति चली जाती है, दांत टूटने लग जाते हैं, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आंखों पे पड़ेगा जाला जरा जिंदगानी का। ये आपकी एक नहीं मानता तो फिर इस पर अहंकार क्यों करते हो? अहंकार तो तब करो ना जब आपकी माने, मानता ही नहीं है तो फिर इस पर अहंकार क्यों? तो पहले तो पिताजी अहंकार का त्याग करो, अहमत्व का त्याग करो। अहमत्व उस पर होता है जिस पर आपका वश हो, जो आपके वश में ही नहीं उस पर अहमत्व क्यों? और दूसरा त्याग कीजिए पिताजी ममत्व का। ममत्व किस में होता है? ये मैं शब्द जहां प्रयोग हो उसको अहंकार कहते हैं, और मेरा शब्द जहां प्रयोग हो उसी को ममता कहते हैं। मेरी पत्नी, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा, कुछ भी आपका नहीं है पिताजी। कितने बच्चे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद विचार करते हैं कि कहां गए होंगे, या सोचते हो कभी? कुछ दिन के लिए सोच आती है, वो 13 दिन का जो पीरियड होता है ना, बस 1 साल 2 साल बाद सब भूल जाते हैं। पिताजी आप तो मेरा 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 करते रहते हो, लेकिन आपकी मृत्यु जब होगी ना, एक भी मेरा आपके साथ नहीं जाएगा। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक बताया जाता है कि मृत्यु के बाद संग कौन जाता है, कि धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। मृत्यु के बाद संग कौन जाता है? बोले धनानि भूमौ, जितना धन आपने कमाया, चाहे कितना भी कमाया हो, सब जहां है वहीं रह जाएगा। वो फुदक के बाहर नहीं आ जाएगा बैंक अकाउंट निकल करके, अरे अरे मेरा स्वामी मर गया, मैं इसके संग जाऊंगा, इसने मुझे कमाया था, मैं इसके संग ही रहूंगा, नहीं, वो जहां है वहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, आप कितनी भी गाड़ी ले लो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फॉर्चुनर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं महाराज लोग, खड़ी रह जाएंगी, स्वयं चल के बाहर नहीं आ जाएंगे। अरे हमारा स्वामी हमको खरीद के लाया था, हमको भूख लगती थी पेट्रोल डलवाता था, इसके संग हम जाएंगे? कुछ नहीं, खड़ी रह जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये तो नॉन लिविंग थिंग है, धन और गाड़ी ये तो अजीवित है, जीवित लोगों की बात करो। चलो आओ जीवितों की बात कर लेते हैं। भार्या पत्नी, 7 फेरे लिए और मांग में सिंदूर डालते समय आप लोग अनुभवी बैठे, हमको तो नहीं है। जब विवाह होता है तो पंडित जी वचन करवाते हैं ना, 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे।
अगले जन्म में भी तुम ही मुझे मिलना, दोनों एक दूसरे को देखते बोले हाँ हम ही मिलेंगे, संग संग ही रहेंगे। क्या होता है, मृत्यु होने पर भार्या ग्रहे द्वारी, पत्नी केवल घर के द्वार तक जाती है, उसके आगे नहीं जाती। आप कहोगे महाराज जी पत्नी की बात मत करो, पत्नी तो 26-27 साल के जब हम हो गए थे तब आई थी, 25-26 साल तक तो घर वालों ने संग दिया, उनकी बात करो। तो जनश्मशाने 25-26 साल पत्नी के आने से पहले जो तुम्हारे संग थे वो भी केवल शमशान तक जाएंगे। भाई हो गए, सतमित्र हो गए, परिवारीजन हो गए, शमशान तक जाएंगे। आप कहोगे ये लोग तो 26-27 साल थे लेकिन मां के गर्भ में ये देह मेरे साथ था, 9 महीने इस ये मेरे संग था और कोई मेरे साथ नहीं था। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक संग जाएगा, अग्नि लगती देह भी राख यही हो जाएगा, संग गया कौन, कोई भी नहीं, केवल एक वस्तु साथ जाती है, आपके द्वारा किया गया भगवत भजन आपके साथ जाता है, वही आपकी गति सुनिश्चित करता है कि अब तुम कहां जाओगे। आपने कमाया कितना इससे गति निश्चित नहीं होगी, आपने खाया कितना, आपने बनाया कितना, आपने लिया कितना, आपने दिया कितना, इससे आपकी गति सुनिश्चित नहीं होगी। गति सुनिश्चित केवल और केवल सत्संग और भजन ही करेगा। तो फिर मेरा मेरा सबको कहने की जगह मेरे केवल और केवल ठाकुर जी ऐसा कहो, पिताजी मैं और मेरा, ये दोनों स्थितियों को खत्म कर दीजिए। व्यक्ति को संसार की कोई वस्तु दुखी नहीं कर सकती जो व्यक्ति मैं और मेरे से परे है। जब ये बात कही गई तब जाकर के उनके चित्त को शांति मिली और गोकर्ण जी महाराज इस प्रकार भगवत भजन करते हुए वन में चले गए। बहुत सुंदर ज्ञान दिया, धुंधुकारी दुष्ट हो गया था, मर करके एक प्रेत बन गया, प्रेत बनने के बाद भागवत की कथा सुनकर के वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ये इसका अभिप्राय ये था जिन प्रेतों का गया जी श्राद्ध में भी, बंधु यहाँ पर प्रसंग आता है कि श्री गोकर्ण जी महाराज ने गया श्राद्ध किया था तब भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ, तो एक प्रकार से यहाँ तो गया श्राद्ध की महिमा कम हो गई, और प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ गया श्राद्ध करने से भी। तब इसका हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि भैया जब श्राद्ध किया जाता है तो नाम गोत्र बोला जाता है और नाम गोत्र माता पिता से मिलता है। धुंधुकारी वास्तविक आत्मदेव वो धुंधुली का बेटा तो था ही नहीं, वो तो किसी और का बेटा था, उसका वास्तविक गोत्र तो उच्चारण किया ही नहीं जा रहा था, इसलिए उसका गयाजी में श्राद्ध से मुक्ति नहीं हो रही थी। धुंधुली अपनी सहेली के बेटे को लिया ही थी, उनका थोड़ा ही था वो, और यहां पर गोकर्ण जी अपने पिता के नाम गोत्र से श्राद्ध कर रहे थे इसीलिए उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो कहते हैं भैया ऐसी स्थिति में भी जिसको मुक्ति नहीं मिलती है उसको मुक्ति प्रदान श्रीमद् भागवत की कथा करती है। कितनी भी भयाभय है प्रेत योनि में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मुक्त हो जाता है। अभी हम बागेश्वर में प्रेत उनको कथाएं सुना के आ रहे हैं, मां दुनिया में आदमी कथा सुन दो मां प्रेत कथा सुन रहे थे। जैसे ही मैं कीर्तन गाता था महाराज प्रचंड बाल खोल के झूमने लग जाते लोग, मैं जय हो, मैंने कि दुनिया में इंसान कथा सुनते हैं, मैंने यहां प्रेत कथा सुनने आते हैं। एक दिन मैं दर्शन करने गया तो एक प्रेतनी ने पांव पकड़ लिया, बोले मुझे मुक्ति आप ही दोगे। अरे मैंने कि बहन कथा सुन लिया करो। एक प्रेतनी तो ऐसी थी वहां पे कि वो बड़ी सजधज के बैठी थी, लग ही नहीं रहा था कि इसमें प्रेत है। मैं दर्शन करके बाहर निकला, उसने मेरे पांव छूने, अब इसीलिए पांव नहीं छुपाते, पांव छूने के लिए बेचारी आ गया, अब उसको लोग हटाने, इतने में तो अंगूठा काट गई पैर का, मैं छलांग मारी वहां से और फिर उसके बाल खुले, मुझे मुक्ति दोगे। मैंने कि भैया ये तो बड़ी विचित्र है भाई, प्रेतन को कौन मुक्ति दे। लेकिन भैया भागवत की कथा ऐसी है, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एक बात तो सिद्ध होती है कि प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, पर ये इतने भयावह नहीं होते जितने पिक्चरों में सीरियलों में दिखा देते हैं। और एक बात आपको सत्य बताएं बंधु,
और भूत उन पर आक्रमण करते हैं जो शुद्ध नहीं रहते, जो पवित्र नहीं रहते। और अब यहां पर लोग क्या ले लेंगे बात, नहाने धोने की पवित्रता को नहीं, जिनके विचार शुद्ध नहीं है प्रेत उन पर ही आक्रमण करते हैं। तन से भी शुद्ध रहो और विचारों से भी शुद्ध रहो, कभी कोई प्रेत आपका कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए तन की पवित्रता तो स्नान से और विचारों की पवित्रता कथा से, नाम जप से, भगवत आराधना से, खूब सत्संग करो, कोई प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस प्रकार धुंधकारी को कथा सुनाई तो प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को चले गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी भागवत की कथा प्रेत पीड़ा से मुक्त करती है, उनको हम बारंबार नमन करते हैं। आज के महात्म को हम यहीं विश्राम करते हैं। कल कथा का समय बंधुओं 1:30 बजे आप लोग आ जाना, ताकि हम 2 बजे से कथा आप लोगों को सुना सकें। आप लोग लेट आएंगे तो फिर हम भी लेट आएंगे, इसलिए लेट मत करना, समय से आ जाना। नियम से हम लोग कथा भाव से सुनेंगे और बाकी की जो आगे का क्रम होगा वो हमारे बटुक जी महाराज बताएंगे। कल से कथा के विश्राम में वृंदावन रसामृत पद भी गाया जाएगा, आप सबको उसकी प्रतियां मिल जाएंगी, वह भी भाव से आप लोग गाया कीजिएगा, प्रेम और भाव से सब लोग गाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। आरती करके जाइएगा, बिना आरती किए नहीं जाना यहाँ से, भाव से गाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, याको मुख देखे ते कटत यम फंद, याको मुख कटत यम फंद, याको मुख देखे ते कटत यम फंद, याको मुख देखे ते कटत यम फंद। संतन सदा सहाय, यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय, यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय, पति जगत राय, संतन सदा सहाय। यही गुण गाम स्वामी परमानंद, यही गुण गाम स्वामी बटेश्वर महादेव के, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री राम।
महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विग Buddy.